टोटल मिलाकर कितने मेथड्स पढ़ चुके हैं हम लोग इजी जी था एनपीवी थोड़ा सा डिफिकल्ट था पर ठीक है और एनपीवी इंपॉर्टेंट भी है अब ब्रेक के बाद जितना भी टाइम है हमारा पूरा एक घंटा में हम पढ़ने वाले इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न उसकी वजह यह है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर यकीन मानो ये एक घंटा अगर आप साथ देते हो तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे

करना है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पहले नाम लिखिए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फिर बात करिए लास्ट मेथड जिसका नाम है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जिसको हम और किस नाम से जानते हैं आई आर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आई अः मैं जानता हूं कि टेबल दिया रहता है आपको टेबल प्रेजेंट वैल्यू टेबल का यूज लगेगा भाई प्रेजेंट वैल्यू टेबल का सीए में फाइनल में टेबल दिया रहता है सीए में इंटर में भी टेबल दिया रहता है सी ए इंटर और सी ए फाइनल में आपको प्रेजेंट वैल्यू टेबल नहीं दिया होता है तो सर टेबल के थ्रू भी मैं करवाऊंगा और टेबल नहीं दिया है तो भी मैं करवाऊंगा मैं मतलब मैं आपको एक्सपर्ट कर दूंगा एक घंटे में आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आपको लगेगा यार कोई भी क्वेश्चन आ जाए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का हम तैयार हैं ठीक है अब सुनना ध्यान से मैं क्या बोलना चाहता हूं पहले सिंपल सिंपल तरीके से स्टार्ट करते हैं अगर किसी बैंक में अभी मैं कुछ लिखवा नहीं रहा हूं सब लिखवाऊंगा ये लिखना नहीं जब मैं बोलूंगा तब लिखो अगर किसी बैंक में मैं एक लाख रुपए जमा कर रहा हूं किसी बैंक में मैं एक लाख रुपए जमा कर रहा हूं और रेट ऑफ इंटरेस्ट है टेन परसेंट पर एन हमेशा कंपाउंडिंग तो बता सकते हो कि दो साल बाद कितना पैसा मिलेगा बिल्कुल ये पढ़ा हुआ है फ्यूचर वैल्यू निकालना है आज कितना जमा किया जा रहा है एक लाख कितने परसेंट के हिसाब से टेन परसेंट पर एन के हिसाब से और हर साल नहीं मिलेगा ठीक दो साल बाद मुझे बता सकते हो कितना पैसा मिलेगा सर 1.10 पॉइंट वन जीरो इंटू इज इक्वल टू इंटू एक लाख मुझे मिलेगा एक लाख इक्कीस हजार रुपए कोई दिक्कत की बात है क्या नहीं आज पैसा कितना लगा रहा है सर एक लाख तो इसको मैं बोल सकता हूं कैश आउटफ्लो और ये जो पैसा आएगा ये कब आएगा दो साल बाद आएगा इसको क्या बोल रहा हूं मैं कैश इनफ्लो हर साल कितना परसेंट कमा रहे हैं हम टेन परसेंट पर हर साल दस परसेंट कमा रहे हैं तो दस परसेंट के हिसाब से अगर दो साल बाद का कैश इनफ्लो निकालू तो एक लाख इक्कीस हजार कोई दिक्कत की बात नहीं अगर मैं इस बैंक को बैंक ना बोलकर इसको मैं नाम दे रहा हूं प्रोजेक्ट में तो भी चल जाएगा अगर किसी प्रोजेक्ट में मैं पैसा लगा रहा हूं और उस प्रोजेक्ट से मुझे हर साल मिलेगा दस परसेंट पर एनम तो बताइए दो साल बाद कितना मिलेगा एक लाख इक्कीस हजार बीच में कुछ नहीं मिलेगा दो साल बाद सीधा दो साल बाद एक लाख इक्कीस हजार मिलेगा कोई दिक्कत कोई दिक्कत इसका मतलब मेरी कमाई जो हो रही है वो कितने परसेंट परसेंटेज की हो रही है टेन परसेंट की अब मैं आपसे कुछ घुमा कर पूछ रहा हूं आंसर देना मैं कहता चलो जी मैं ये नहीं बताता मैं आपसे यह बता रहा हूं कि आज जो मैं पैसा लगा रहा हूं वो लगा रहा हूं एक लाख और इस प्रोजेक्ट से बीच में मुझे कुछ नहीं मिलने वाला सीधा सेकंड ईयर में मिलने वाला है वन लैख ट्वेंटी वन थाउजेंड सर किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हो तो हर साल मिलेगा ना हर साल मिलेगा यहां मेरी एजेंशन है कि हर साल कुछ नहीं मिलेगा सीधा सेकेंड ईयर के एंड में मिलेगा एक लाख इक्कीस हजार एक लाख रुपए आज जमा कर रहा हूं आज लगा रहा हूं और दो साल बाद मिलेगा एक लाख इक्कीस हजार तो बताओ 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 कितना परसेंट की कमाई हो रही है हर साल टेन परसेंट सर टेन परसेंट की कमाई हो रही है टेन परसेंट ये टेन परसेंट क्या है यही तो कमाई है इसी को तो बोला जाता है इंटरनल रेट ऑपरेटर ओके सर इसका मतलब जो एनपीवी में जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो एनपीवी में एनपीवी में हमको ये दिया रहता था तो हम हमें, हमें दिया रहता था टेन परसेंट तो हम देखते थे कितना एक्स्ट्रा कमा रहा है इस बार आपको ये इस बार कहेगा कि नहीं, नहीं ये सब छोड़ो आप ये बताओ कि आपको इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से कितने परसेंटेज की कमाई हो रही है कितने परसेंटेज की कमाई हो रही है टेन परसेंट तो सर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है क्या बेसिकली इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कुछ नहीं है इंटरनल रेट ऑफ एनपीवी किस में निकाल रहे थे रुपीज में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न किस में निकालेंगे परसेंटेज में और परसेंटेज में हम ये निकाल रहे हैं परसेंटेज में कि अगर हम प्रोजेक्ट में पैसा लगा दे तो हमें बताइए परसेंटेज में कितने की कमाई हो रही है अच्छा सर सर इस प्रोजेक्ट में जो पैसा लगा रहे हो कहीं ना कहीं से तो पैसा उठाया होगा आपने यस किसी बैंक से पैसा उठाया और ये उठाया है आठ परसेंट की और हमें अनुमान आठ परसेंटेज पे और हमें अनुमान है कि हमारी कमाई कितने की होगी दस परसेंट की बताइए प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए पर कितने परसेंटेज पे पैसा उठा रहे दिस इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल सर ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं है वो तो मैंने आपको बताया कॉस्ट ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं है ये है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसका मतलब सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम कितने परसेंटेज पे लोगों से पैसा उठा रहे बैंक से आठ परसेंट एक लाख उठाकर एक लाख इक्कीस हजार कमाने वाले है, सेकंड हैं सेकंड ईयर के एंड में तो उस हिसाब से कमाई कितने की है टेन परसेंट की बताइए प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करे कि रिजेक्ट करे सर एक्सेप्ट करो क्योंकि जो कैपिटल आप ले रहे हो हमें देना कितना है हर साल एट परसेंट और उस पर कमाई कितने की होगी टेन परसेंट की इसका मैं नाम क्या रख रहा हूं सर इसका नाम रख रहे हो आप इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न सर ये टेन परसेंट आया कैसे वो कैलकुलेशन में समझाऊंगा कैलकुलेशन समझाना मेरी जिम्मेदारी है इसका नाम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है पहले डेफिनेशन की बात करें सर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब एक रेट ऑफ रिटर्न पर एनम विच इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट 10% कितना जनरेट करेंगे टिल द एंड ऑफ प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के एंड तक हम हर साल कितना परसेंट जनरेट करेंगे दिस इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से डिसीजन कैसे लिया जाएगा सर अगर ये रेट ऑफ रिटर्न आईआरआर ज्यादा है किससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, से ज्यादा तो फिर हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर कॉस्ट ऑफ कैपिटल को और एक नाम दिया जाता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अगर रिक्वायर रेट ऑफ रिक्वयर रेट ऑफ रिटर्न मतलब नाइन परसेंट ऐसा लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न लगभग एक ही है तो अगर मैं कहता हूं रेट ऑफ रिटर्न हमें कम से कम नौ परसेंट चाहिए और मिल कितना रहा है एक्सेप्ट हमें चाहिए नौ परसेंट और नौ परसेंट ही मिल रहा है हमें चाहिए नौ और नौ ही मिल रहा है जितना चाहिए उतना मिल रहा है तो भी एक्सेप्ट लेकिन चाहिए नौ और मिल रहा है सात परसेंट तो रिजेक्ट इस मीन डिसीजन कैसे लिया जाएगा सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है या कम से कम बराबर या तो ज्यादा हो या बराबर हो किसके रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न के या किसके कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर है तो भी हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे पर आईआरआर कम है किससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तो रिजेक्ट कर देंगे डिसीजन क्राइटेरिया अगर सिंगल प्रोजेक्ट तो इंडिपेंडेंट अगर दो प्रोजेक्ट है किसी में आई आ रहा है दस परसेंट और किसी में आ रहा है बारह परसेंट और दोनों में से कोई एक ही प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो तो ऐसा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे जिसमें आई आर आर जाता है ठीक है सो सर कंपेरिजन कभी भी किससे करना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से सर एक क्वेश्चन हाँ सर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी तो हम परसेंटेज में निकालते थे हाँ वो भी परसेंटेज में था और आई आर आर भी परसेंटेज में है लेकिन अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में हम प्रॉफिट वगैरह को बेस लेते थे अकाउंटिंग प्रॉफिट को देखते थे सिंपल और यहां आप नहीं देखोगे यहां आप कैश आफ्टर टैक्स देखोगे सी एफ ए टी ठीक ये एक अंतर है और वहां सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे काम होता सिंपल तरीके से निकलते थे यहां कंपाउंडिंग के पास थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा होगा एक बार धीरे धीरे लिखते बात समझ में जाए तो पहले मैं थोड़ी बहुत बातें लिखवा दूं आई आर आर पे सर कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो मैं समझाऊंगा ना इंपॉर्टेंट क्या है इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन उसमें टाइम लगने वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया तो सर पहले क्या लिखे पहले पॉइंट लिखते पॉइंट नंबर वन अब लिख सकते हो मेरे साथ सर, सर? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज अ रिटर्न इन परसेंटेज परसेंटेज में निकालना परसेंटेज पर परिणाम लिख सकते हैं विच इज Expected to generate from a project till the end. ऑफ प्रोजेक्ट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है कि हम कितना कमा रहे हैं प्रोजेक्ट कितना कमाएंगे पर एनम बेसिस पे परसेंटेज में आपको बताना है पॉइंट नंबर टू रहेगा डिसीजन क्राइटेरिया डिसीजन क्राइटेरिया डिपेंड करता है कि क्या इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है क्या सिंगल प्रोजेक्ट है यस yes, तो आईआरआर शुड बी ल टू आर हायर दैन किससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल मतलब कोई एक प्रपोजल एक्सेप्ट करना है तो आयर शुड बी हायर ये तो बात समझ में आती यहां तक कोई दिक्कत नहीं है यहां तक तो सिर्फ कॉन्सेप्ट से डिस्कस किया है कि आई आर आर क्या होता है और प्रपोजल को कैसे एक्सेप्ट किया जाता है आगे इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन पॉइंट नंबर थ्री में करेंगे कैलकुलेशन उसमें टाइम लगेगा एक बार नोट करो नोट करो जो कैलकुलेशन करवाऊंगा उसी में टाइम लगना है और बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं करवाऊंगा आराम से करवाऊंगा धीरे धीरे क्योंकि यार ये बेस है आई यार एक बार होता है ना तो आगे आने वाले बहुत लेक्चर में काम आने वाला है ये वाला लेक्चर ठीक है इंपॉर्टेंट है तो पॉइंट नंबर थ्री लिखोग कैलकुलेशन

तो बताओ एक साल बाद दो साल बाद कितना आएगा दो साल बाद फ्यूचर वैल्यू आपने निकाला तो फ्यूचर वैल्यू कैसे निकाला एक लाख इंटू वन पॉइंट अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको यह दे देता हूं कि आज कितना पैसा लगाना है एक लाख अगर मैं आपसे बोलूं दो साल बाद कितना आएगा एक लाख इक्कीस हजार तो क्या दो साल बाद रेट कितना है रेट ही तो निकालना क्या ये निकाला जा सकता है अगर मैं ये दे दूं ये दे दूं तो क्या ये निकाला जा सकता है यही निकालना है बस तो चलो एक बार स्टार्ट करें इस एग्जांपल से सर यहां फॉर्मूला कुछ नहीं लिखवा रहा हूं सिर्फ एग्जांपल एग्जांपल करवाऊंगा बड़े सारे एग्जाम्पल करवाना है जब तक मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं करवाऊंगा आप आयर संभाल नहीं पाएंगे तो मैं चाहता हूं एक बार आयर समझ लो अच्छे से अच्छे से एग्जाम्पल नंबर वन कैश आउटफ्लो कैश आउटफ्लो लिखूंगा तो मतलब आज ही की बात रुपीस वन लाख कैश इनफ्लो आफ्टर टू इयर्स रुपीज ट्वेंटी वन थाउजेंड रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हैं या फिर हम इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट ना बोल के बोलेंगे बताइए कितना कमा रहा है एक लाख रुपए लगाओ के एक लाख इक्कीस हजार रुपए आएगी बताइए कितना कमा रहा है एक बार मैं इक्वेशन बता दूं एक लाख रुपए कब जा रहा है आज किस रेट पर जा रहा है वन प्लस आर लिखो आई भी लिख सकते हो पावर टू दो साल बाद और दो साल बाद कितना आ जाएगा एक लाख इक्कीस हजार यही तो इक्वेशन है जो आप लगा इसको सॉल्व कर सकते हो क्या एक लाख कौन सा वैल्यू है सर प्रेजेंट वैल्यू और एक लाख इक्कीस हजार कौन सा वैल्यू है सर फ्यूचर ये कब का कैश इंट है दो साल बाद इसको सॉल्व ऐसे कर सकते हुँ? R, एक 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 हाँ। वन प्लस आर एक लाख इक्कीस हजार डिवाइडेड बाय एक लाख एग्री ना हाँ सर वन प्लस आर इसवल पावर टू भी कर दे वन पॉइंट टू वन यहां तक कोई दिक्कत नहीं मैं धीरे धीरे करवाऊंगा मैं फिर से कह रहा हूं तो सर वन प्लस आर तो वन पॉइंट टू वन को ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट या फिर कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? वन पॉइंट टू वन पावर वन बाई टू एक ही बात स्क्वायर रूट लगा दीजिए या पावर वन बाई टू लिखिए एक ही बात तो बताओ वन प्लस आर इसवल टू कितना है तो हालांकि मुझे मालूम है पर एक बार से वन पॉइंट टू वन स्क्वायर रूट सर वन पॉइंट से आर इज इक्वल टू वन पॉइंट वन जीरो में से क्या कर देंगे माइनस आंसर कितना जाएगा जीरो पॉइंट वन जीरो और जीरो पॉइंट वन जीरो को परसेंटेज में बताना है तो कितना परसेंट आज सिंपल एग्जाम्पल से आपको ये बातें मैंने सर सात तो, साल, तो, साल होता तो सेवन ईयर होता तो क्या करते वो सब मैं करवाऊंगा वो मेरी जिम्मेदारी है ना यार अभी हमको धीरे 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 आगे बढ़ना है एक बार इसको नोट कर लिया हाँ बोलो हाँ ठीक है सर अब मैं आपको और एक बात बता रहा हूं सुना ध्यान से मैं आपसे ये बोल रहा हूं लिख रहा है इक्वेशन एक, एक लाख ठीक है और एक लाख इक्कीस हजार डिवाइडेड बाय वन प्लस आर पावर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या एक ही बात है सोच समझ के जवाब देना कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या ये इक्वेशन जो मैंने बनाया है दिख रहा है आपको मैं कह रहा हूं ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक ही बात है कि अलग अलग सर एक ही तो बात है कहा अंतर है बस आप यहां इस ये फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हो और यहां क्या कर रहे हो इसका प्रेजेंट वैल्यू एक ही बात है आंसर यही आएगा सर टेन परसेंट ये दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्या चीज है जो मैंने लिखा है ये सर ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू है कैश इनफ्लो नहीं कैश आउटफ्लो फ्लो हाँ पैसा जा रहा ना तो इसको कैश इनफ्लो नहीं लिख सकते इसको क्या लिख सकते कैश आउटफ्लो ये एक लाख इक्कीस हजार कब का कैश इनफ्लो है दो साल बाद का हाँ और उसको मैं अगर वन प्लस आर पावर एन से डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा सर प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा तो सर ये क्या ये कैश इनफ्लो है उसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एक शब्द आएगा एक सेंटेंस आएगा बहुत बार कि सर आई क्या है एक रेट है रेट ठीक है ऐसा रेट सर वो कहां से ला हैं स्टेटमेंट जो बोलने जा रहे हैं वो कहां से आया वो यहीं से आया है मैं आपसे बोला आई आर एक ऐसा रेट है जिस पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस मैं ये सर बहुत सारे बच्चे बोलते सर आप कैसे बोल सकते हो कि आईआरआर एक ऐसा रेट है जिसपे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो वो यहां से आया है अल्टीमेटली ये ले लो चाहिए ले लीजिए एक ही बात है तो स्टेटमेंट लिखना जरूरी है आंसर कितना आएगा आर का आंसर सर टेन परसेंट ही आएगा यस पर मैं वो लिखूं एक स्टेटमेंट दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है सर uh, इसको डिस्काउंटिंग रेट भी बोल सकते हैं कि यस डिस्काउंटिंग रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ठीक अगर ये दोनों इक्वल है प्रेजेंट वैल्यू तो एनपीवी क्या आ जाएगा जीरो है ना यार या, अगर ये दोनों इक्वल है तो बताओ पीआई क्या आएगा सर वन ये बार बार आपसे पूछा जाता कि आई क्या है आई एक ऐसा डिस्काउंटिंग रेट है जिसपे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो या ऐसा डिस्काउंटिंग रेट है जिसपे एन पी आ जाए जीरो या ऐसा डिस्काउंटिंग रेट जिसपे आ जाए पी आई वन ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं इसको देखते हुए और ये कहा से डिराइव हुआ वो यहां से डिराइव हुआ अल्टीमेटली मैंने यही वाला काम तो यहां कर रखा है अब जब ये वाला काम यहां कर रखा है तो ये ये दोनों दोनों इक्वल इक्वल आ आ गया अगर आ गया अगर जीरो मतलब यही बन आना चाहिए।, या इसका मतलब चाहिए ठीक है जी ऐसा रेट ढूंढने की कोशिश करेंगे तो ये आसानी से समझ में आ रहा ये क्या बोल रहे हैं ये चीज समझ में नहीं आई ये धीरे धीरे से समझ में आएगी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है तो सर इस क्वेश्चन को करने का और एक तरीका है इसलिए तो मैंने बहुत सारी बातें बता रहा हूं क्या सीए में फाइनल में टेबल दिया रहता है यस yes. टेबल दिया रहता टेबल नहीं दिया रहता टेबल पेपर के क्वेश्चन पेपर के पीछे ना टेबल हाँ क्वेश्चन पेपर के पीछे टेबल छपा होता है जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है uh, मैं सी ए फाइनल हूं या सी इंटर हूं उनको टेबल नहीं दिया रहता अगर उनको टेबल नहीं दिया रहता तो यही एकमात्र ऑप्शन है आई आर आर क्योंकि सीएमए फाइनल में टेबल दिया रहता है तो हमारे पास और एक ऑप्शन है हम ऐसे भी कर सकते हैं हमारे पास दूसरा अल्टरनेटिव भी है आई निकालने का मैं सेकेंड अल्टरनेटिव करवाने की कोशिश कर रहा हूं इसी क्वेश्चन को मैं कौन से अल्टरनेटिव से सहूं ये कौन सा अल्टरनेटिव है फर्स्ट अल्टरनेटिव वन अब मैं क्या करूंगा अल्टरनेटिव टू तो। इसमें कैसे करते इसमें ये स्टेट एक लाइन लिखनी पड़ेगी आई आर आर इज एट विच PVCO टू पी वी सी आई ठीक है मानते हो यस सर तो सर एक लाख तो लिखेंगे लिखेंगे यस और एक लाख इक्कीस हजार आ रहा है कब आ रहा है दो साल बाद पर यार जो दो साल बाद आ रहा है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालने के दो तरीके थे या तो डिवाइड कर दो या तो फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो और हम यहाँ क्या करेंगे सर हम यहाँ प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेन परसेंट का टेन परसेंट नहीं वही तो पता करना है परसेंटेज कौन सा हो जाएगा एक्स परसेंटेज का दो साल का फैक्टर ढूंढने की कोशिश करेगी ठीक है तो अब हमें चाहिए प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ये जो है ये डिवाइड हो जाएगा लाख लाख डिवाइडेड बाय तो निकालो एक लाख डिवाइडेड बाय एक लाख इक्कीस हजार तो सर ये आ गया जीरो पॉइंट एट टू सिक्स सर ये क्या है पॉइंट एट टू सिक्स अभी सुनो ना क्या करना है अब यहां देखेंगे रेफर प्रेजेंट वैल्यू एनुटी टेबल नहीं प्रेजेंट वैल्यू टेबल इन ईयर ईयर कौन सा ईयर टू आउट फाइंड आउट भी ले सकते हैं अब आपके पास present value table होगा. की की. बात नहीं नहीं कर रहा हूं, single cash flow की. ये है मुझे पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं पर हमारा टारगेट ये है कि हमें कौन सी ये टेबल आपको दिया रहेगा सीएमए फाइनल वाले बच्चों ये टेबल दिया रहेगा और इस टेबल में कौन सा ईयर ढूंढना है सेकेंड ईयर और सेकेंड ईयर में कौन सा वैल्यू ढूंढना है हमें हमें पॉइंट एट टू सिक्स ढूंढना है और ढूंढते का 826, 826, 826, 826, 826, चार डिजिट में दिया तो चार में कर लेंगे टेन परसेंट पे तो टेन परसेंट पे देखते हैं टेन परसेंट टेन सॉरी टेन परसेंट एंड एन वी गेट टेन परसेंट हेन आईजेंट इट यहाँ एट टू सिक्स फोर टेबल चार में है तो मैं भी यहां चार डिजिट में काम करूंगा ठीक है कौन सा अल्टरनेटिव ज्यादा अच्छा अल्टरनेटिव टू या अल्टरनेटिव वन सर अल्टरनेटिव वन अच्छा है सर इसमें कोई टेबल वेबल का झंझट नहीं है पर भाइयों आपको टेबल दिया रहेगा और दिया रहेगा ना आपको इजी लगने लगेगा प्रैक्टिस 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 होगी ना तो मजा आने लगेगा आपको वाह मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा अभी हमारे पास जितना टाइम है हम प्रैक्टिस ही करने वाले हैं जितना ठीक है तो अगर आपका सीएमए फाइनल नहीं है ना भाई तो फिर आपको ऐसे ही करना है पर आपका सीएमए फाइनल है आप सीएमए के बच्चे तो आपको टेबल जरूर दिया रहेगा और टेबल दिया होगा तो हम ये यूज करेंगे एग्जाम्पल है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल नंबर कौन सा टू दोनों ही अल्टरनेटिव से सीखना हमें हमें हर हम मान के चल रहे हो कि हम सीए भी कर रहे हैं हम सीए भी कर रहे हैं हम सीए में भी कर रहे हैं दोनों तरीके से मैं एरर करवा रहा हूं Cash outflows Rupees eighty thousand thick Cash inflows After four years. पीस वन टू फाइव एट एट वन कैलकुलेट आयर चलो अच्छा आयर आर निकालना है दोनों अल्टरनेटिव से एक टेबल के हेल्प से एक हमको टेबल नहीं देखना है कैलकुलेटर के हेद से दोनों ही अल्टरनेटिव से मुझे चाहिए आंसर Alternative वाह आज कितना लगा रहा है अस्सी हजार किस रेट पर नहीं मालूम कितने साल बाद चार साल बाद कितना हो जाना चाहिए एक लाख पच्चीस हजार एट एट वन वन टू फाइव एट एट वन ये उन लोगों के लिए जिसको टेबल की हेल्प नहीं चाहिए मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं अब क्या करना है वन टू फाइव एट एट वन डिवाइडेड पावर फॉर एन टू फाइव एट एट वन वन टू फाइव एट एट वन डिवाइडेड तो सर ये आ गया 1 तो अब तो स्क्वायर रूट यहां कितना लिखूंगा फोर या टू घर से पता करके आना लिखेंगे फोर या फिर 1.5735 पावर क्या आएगा ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो तो मुझे पावर वाला ज्यादा पसंद आता है स्क्वायर रूट की अपेक्षा पर दोनों ही लिख सकते है. मतलब सर दो बार स्क्वायर रूट करना पड़ेगा यस वन प्लस आर ए सी मतलब जो आया एक बार स्क्वायर रूट दो बार स्क्वायर रूट सर वन पॉइंट वन वन नाइन नाइन टू वन पॉइंट वन टू ले लो सीधा आर इज इक्वल टू वन पॉइंट वन टू माइनस वन तो ये आ गया सर जीरो पॉइंट टू वन टू इसका मतलब IRR आ गया परसेंटेज में बोलोगे तो कितना परसेंट ठीक सर तीन साल हुआ तो वो तो मैं अभी करवाने वाला हूं तीन साल हुआ तो सात साल हुआ तो आठ साल जितना भी साल हो हम कर सकते कैलकुलेटर से हो जाएगा ये तो हुआ अल्टरनेटिव अब क्या करें सर अब करेंगे हम अल्टरनेटिव टू ये कैसे करें यहां तक तो हो गया अल्टरनेटिव वन अब कर रहे हैं अल्टरनेटिव टू ये इंपॉर्टेंट है सीएमए वाले बच्चों के लिए तो जरा ध्यान देना अल्टरनेटिव या स्टेटमेंट जरूर लिखना पड़ेगा इज अ डिस्काउंटिंग रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश उटफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश एंड पैसा कितना जा रहा है आज सर पैसा जा रहा असी है अस्सी हजार पैसा कितना आ रहा है चार साल बाद वन टू फाइव एट एट वन वन टू फाइव एट एट वन क्योंकि ये चार साल बात का है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्ट कितने परसेंटेज का वो नहीं मालूम पर कितने इयर्स का फोर इयर्स का ठीक तो मुझे ढूंढना प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कौन से ईयर में फोर ईयर में परसेंटेज पता लग जाएगा तो सर ये डिवाइड हो जाएगा यस तीन डिवाइडेड बाय तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट टेबल हमको चार डिजिट में तो सर अस्सी हजार टेबल टू फाइव एट एट तो सर यह आ गया जीरो पॉइंट सिक्स थ्री फाइव फाइव तो फाइंड आउट एफ वैल्यू इन ईयर कौन सा चलो फोर्थ ईयर में हम ढूंढने की कोशिश करते हैं पॉइंट सिक्स थ्री फाइव फाइव किधर गया टेबल इसको रफ कर दूं पहले फोर्थ ईयर में ढूंढने की कोशिश करते हैं टेबल दिख रहा होगा ना टेबल नंबर कौन सा फ्यूचर वैल्यू गलती से नहीं लिखा है प्रेजेंट वैल्यू टेबल टेबल नंबर नंबर हैं में देखने की कोशिश चलो देखते हैं। क्या ढूंढना है, है कहा है कहा है कहा है गया कितने परसेंट बारह परसेंट बताओ क्या ज्यादा अच्छी ये सर एन वी गेट ट्वेल्व परसेंट एंडर आर इज इक्वल टू ट्वेल्व परसेंट ठीक है लिख लो एक बार ठीक है सर ये बात तो हमको समझ में आ गई अब और आगे चले और एक एग्जाम्पल यस अभी मुझे और दो एग्जाम्पल समझाने दो भी हो सकता तीन भी हो सकता क्योंकि मुझे आपको परफेक्ट बनाना है ठीक है ठीक है तो चलते आगे और एक एग्जांपल देते एग्जांपल नंबर कितना हो गया था दो। अब थोड़ा सा और मुश्किल थ्री इयर्स वाला कर दिया हो अब देखता हूँ कौन निकाल रहा है एग्जाम्पल नंबर थ्री उटलोस रुपीस थ्री लैक्स थ्री थ्री लग रहे हैं तो फिर आप सोचोगे यार ये और चेंज कर ले सकते हो फाइव भी ले सकते हो आप जो बोलो थ्री फाइव सेवन सिक्स इसी में आपको देखते फाइव लेते हैं थ्री छोड़ो फाइव कैश इन आफ्टर फाइव इयर्स ये आ गया प्लीज थ्री थ्री सिक्स नाइन से वन और आपको निकालना आई आर चलो ची। दोनों ही अल्टरनेटिव से आपको बताना कुछ बच्चों को अल्टरनेटिव टू पसंद आने लगा होगा सर वो ज्यादा अच्छा उसमें तामझाम टेबल उठाना टेबल देखना मैं बता रहा हूँ ना में फाइनल के बच्चों को बस एक चीज का बहुत अच्छा फायदा है क्योंकि टेबल दिया ही रहेगा बाकी सर टेबल दिया रहेगा तो उसी मेथड से करवाइये ना नहीं बेटे ये जो काम आने ये जो मैं सिखा रहा हूँ ना ये आपके डेरिवेटिव्स वगैरह में काम आएगा वहां मुझे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी डेरिवेटिव्स वगैरह ठीक है सर तो पहले अल्टरनेटिव वन से ही करेंगे हम लोग ल्टरनेटिव वन बोलो कितना पैसा लगा रहे लाख पचहत्तर वन प्लस आर पावर क्या हो जाएगा फाइव आ कितना रहा थ्री थ्री सिक्स नाइन फोर सेवन ठीक अब क्या होगा सर वन प्लस आर पावर फाइव एसिकल थ्री थ्री सिक्स नाइन फोर सेवन डिवाइडेड बाय एक लाख पचहत्तर हजार तो वन प्लस आर टू दावर फाइव एसिकल थ्री 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 सिक्स नाइन फोर सेवन डिवाइडेड बाई एक लाख पचहत्तर हजार तो सर ये आ गया वन पॉइंट नाइन टू गलत कर दिया सर आपने पे मैं सोचा ये ऐसे डिवाइड होगा ना इसलिए सर मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन है एक लाख पचहत्तर हजार डिवाइडेड बाई थ्री थ्री सिक्स नाइन सेवन तो सर ये आ गया है जीरो पॉइंट सॉरी 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 यार सोरी, 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 ये ऐसे हो गया सही था पहले सॉरी थ्री थ्री सिक्स नाइन फोर सेवन डिवाइडेड बाय एक लाख पचहत्तर दो मैथड एक साथ करवा रहा हूं ना इसलिए कन्फ्यूज है समझा थ्री थ्री सिक्स नाइन फोर सेवन डिवाइडेड बाय एक लाख पचहत्तर अब सही है ये आ गया वन पॉइंट नाइन टू ठीक है यहां तक कोई दिक्कत क्या नहीं गलती क्या हो रही थी गलती है कि वो जो दूसरा टेबल वाला मेथड है ना हम पढ़ाते नहीं है पर में को मैं पढ़ा रहा हूं ना तो मुझे उसी तरह से पढ़ाना चाहिए जो में के लिए यूजफुल होगा तो हम हम करते हैं सी तो सर अब वन प्लस आर। या तो ऐसे लग सकते वन पॉइंट नाइन टू फाइव फोर पावर या तो ऐसे लिख सकते हैं 1.925 पॉइंट पावर 1 बाई फाइव जैसे भी लिखो जैसे भी लिखो आंसर कैसे निकालोगे सवाल यहां दिक्कत है और अब हमें यहां कैलकुलेटर का जबरदस्त यूज करना पड़ेगा आईसीएआई आईसी आईसीएआई जनरली क्योंकि सीएमए में तो टेबल दिया रहता है वो लोग इसके बाद सोल्व कैसे करते वो लोग इसके बाद सीधा ऐसे करते दैट्स इट कहां से आया? कहां से आया आया वो नहीं बताते ये तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा सॉल्यूशन देखोगे ना तो यहां जाके दिमाग घूम जाएगा यहां तक ठीक ठाक समझ में आएगा यहां तक क्या हो गया ये आया कहां से आया कहां से नहीं बताते ना तो हम बताएंगे सर तो फिर करेंगे कैसे एक यूज करेंगे हम डर्टी पावर का सर ये डर्टी पावर क्या चीज है डर्टी डर्टी मतलब गंदा पावर डर्टी पावर अब कैलकुलेटर का यूज होगा डर्टी पावर ऐसी पावर जिसमें फाइव सिक्स सेवन जिसको आसानी से सॉल्व नहीं कर पा रहा है उसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करोगे सर कैसे सॉल्व करते हैं पहले जो फिगर आया वन पॉइंट नाइन टू फाइव फोर तो पहला स्टेप फर्स्ट आप लिखोगे वन पॉइंट नाइन टू ठीक दूसरा स्टेप इसको स्क्वायर रूट करोगे बारह बार सर ये बारह कहां से आया ये बारह हमेशा रहेगा ट्वेल्व हमेशा रहेगा तीसरा स्टेप माइनस क्या करोगे वन सर वन ये भी हमेशा रहेगा फोर्थ फिर डिवाइडेड बाई करोगे पावर पावर क्या क्या है वन बाई फाइव तो वन बाई फाइव से पावर कर दोगे फिर फिफ्थ नंबर पे क्या करोगे सर फिर प्लस वन करेंगे सर और लास्ट में क्या करेंगे लास्ट में टू इक्वल टू वापस क्या करोगे बारह बार सर ये तो रटना पड़ेगा यस सीए लोगों के पास ऑप्शन नहीं है भाई इसके लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए और क्या साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है नहीं है तो सर इसका क्या ये कोई कॉन्सेप्ट में थोड़ी नहीं, ये कुछ में कोई है ही नहीं है मैं भी बात कहा, कहा चेंज एक तो यहाँ पावर वन बाय सेवन हो जाएगा और यहां जो फिगर का निकालना बाकी सारी चीजें ट्वेल्व टाइम्स ही रहेगा माइनस वन ही रहेगा एक बार करके देखिए क्या वन कितने बार स्क्वायर रूट करना है बारह बार एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह उसके बाद क्या करना है माइनस वन माइनस वन फिर डिवाइडेड बाय वन फाइव फिर प्लस वन और फिर इंटू इक्वल टू बारह बार इंटू इक्वल टू एक बार इंटू इक्वल टू दो बार इंटू इक्वल टू तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह आंसर आ गया वन पॉइंट वन फोर हां आया कैसे क्या का लॉजिक क्या है कॉन्प्ट क्या है मुझसे बात मत करना बहुत सारा मैथ्स में नहीं करवाने वाला हूं आपके बड़े बड़े चैप्टर है पोर्टफोलियो है डेरिवेटिव है है फॉरेक्स वहां थोड़ा ढंग से करेंगे ये कहाँ पढ़ रखा है सर ये ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है मैं जानता हूं आपने पढ़ रखा है और ये आपने अपने या तो सी इंटर में पढ़ रखा सीएमए इंटर में पढ़ रखा होगा या तो सी एम ए फाउंडेशन में पढ़ रखा होगा पर पढ़ रखा होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पढ़ाते हैं इसको तो फिर से बोल रहा हूँ ये सर ये प्रैक्टिस से आ जाता है कि प्रैक्टिस से आ जाता पर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी जरूरत पड़ सकती है पर क्योंकि आपको टेबल दिया रहता है ठीक तो है जी ठीक है सर तो बस इसके बाद तो आपको पता है करना क्या है 1.14 निकल याद रखना इंटू इक्वल टू बारह बार इंटू इक्वल टू एक बार इंटू इक्वल टू दो बार इंटू इक्वल टू ऐसे करोगे इंटू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू ऐसे मत कर देना तो सर आर आ गया वन पॉइंट वन फोर माइनस वन तो ये आ गया जीरो पॉइंट वन फोर हिसाब से आई आर आर कितना है सीए में बच्चे ऐसे ही करते हैं मैं फिर से बोल रहा हूं उन लोगों को प्रेजेंट वैल्यू टेबल नहीं दिया रहता पर क्या आपको प्रेजेंट वैल्यू टेबल दिया है यस मुझे नहीं लगता कि आई आर आर आज खत्म हो पाएगा पर मैं जल्दी भगाऊंगा अभी नहीं IRL में ढंग से करवाऊंगा क्योंकि का मुझे ऐसा लगता है कि आपको क्वेश्चन आता ही आता है और सोलह नंबर मायने रखता है भाई नंबर ठीक और ऐसा नहीं है कि इसका इसका यही यूज़ है और भी चैप्टर्स में यूज है इसका डेरिवेटिव में यूज आएगा तो सीखने में क्या दिक्कत है तो हो गया। भी करें कि हां सर, ये और हमारे समझ में नहीं आता सर छोड़ो आप अल्टरनेटिव टू टेबल से करेंगे

प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटपुट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनप्लस पैसा कितना जा रहा है आज सर आज जा रहा है एक लाख पचहत्तर हजार पैसा कितना आ रहा है चार साल पांच साल बाद थ्री थ्री सिक्स नाइन फोर सेवन three three six nine four six. Three three six nine four seven. इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कितना परसेंटेज एक्स परसेंटेज कितना इयर्स फाइव इयर्स तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं अब ध्यान से करता हूं डिवाइड वाले में, में अब ये डिवाइड होगा सर एक लाख पचहत्तर हजार डिवाइड किससे करेंगे थ्री थ्री सिक्स नाइन फोर तो सेवन प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर इसलिए एक लाख पचहत्तर हजार डिवाइड बाई थ्री थ्री सिक्स नाइन फोर सेवन तो सर यह आ गया जीरो पॉइंट फाइव वन इन फोर अब क्या करेंगे रेफो प्रेजेंट वैल्यू टेबल इन ईयर फाइव एंड वी फिफ्थ ईयर में ढूंढने की कोशिश करते हैं 0 .5194 0 .5194 कौन से फिफ्थ ईयर में? तो फिफ्थ ईयर कहाँ है? फिफ्थ so, ईयर है? है ये .51 .51 .5194 .51 ओह ओह ये मिल गया .5194 और उसके ऊपर कितना लिखा है? 14 पोर्शन बस बात खत्म कहाँ डर्टी पावर वो और के चक्कर में अच्छा सर हमारा वाला सीएमए वाला अच्छा नोट कर लीजिए नोट यस आज खत्म नहीं होने वाला है आई आर आर के लिए कल की क्लास और लगेगी सॉरी मैं करवा रहा हूं एक दो एग्जाम्पल और करवा रहा हूं पर आज नहीं होगा टाइम एक्चुअल में निकल गया है इसी वजह से ठीक है सर तो आगे चले यस आगे चलते और एक एग्जाम्पल अब आप पर है अब आप कैसे करते हो वो डिपेंड करता है आप अब आजाद हो इट मींस आप अल्टरनेटिव वन से करना चाहो तो वन से भी कर सकते हो अगर आप अल्टरनेटिव टू से करना चाहते हो तो टू से भी कर सकते हो आप पर छोड़ दिया सब कुछ ठीक है याद रखना कि ये डर्टी पावर आप ये नहीं बोल सकते कि ठीक है यार जाने तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी जरूरत आज नहीं तो कल पड़ेगी इसलिए याद तो करना ही पड़ेगा अब करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर फोर अब काम का एग्जाम्पल है अब मजा आएगा ऑफ क्रूस Seventy five thousand cash inflows after four years. वन टू फाइव फाइव सिक्स फोर वन टू फाइव फाइव सिक्स फोर और आपको निकालना है चलो जी जल्दी से निकाल दोनों ही अल्टरनेटिव से मैं करवाऊंगा अल्टरनेटिव वन कितना पैसा लग रहा है सेवेंटी फाइव थाउजेंड वन प्लस आर पावर फोर कितना आएगा वन टू फाइव फाइव ये वाला डिवाइड हो गया ना वन टू फाइव फाइव सिक्स फोर डिवाइडेड बाय पचहत्तर हजार तो सर ये आ गया फोर तो भी हो सकता है दो बार स्क्वायर रूट करना सीधे तो वन पॉइंट सिक्स सेवन फोर टू को एक बार स्क्वायर रूट दो बार स्क्वायर रूट तो सर आ गया वन पॉइंट वन थ्री सेवन फाइव

समस्या कहाँ फंसने वाले हो सर हम फंसने वाले अल्टरनेटिव टू में यस वहां देखो वहां तो मजा आ जाएगा इसमें तो चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी अब बात करते आल्टरनेटिव टू यर इज अ डिस्काउंटिंग रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटलुक इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश तो ठीक है सर ये तो हमको पैसा कितना जा रहा सेवेंटी फाइव थाउजेंड आज पैसा कितना आएगा वन टू फाइव फाइव सिक्स फोर वन टू फाइव फाइव सिक्स फोर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कितना परसेंटेज एक्स परसेंटेज कितना ईयर्स फोर इयर्स प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर इसी पा सेवेंटी फाइव थाउजेंड डिवाइडेड बाय वन टू फाइव फाइव सिक्स सेवेंटी फाइव थाउजेंड डिवाइडेड बाय वन टू फाइव फाइव सिक्स फाइव सिक्स फोर तो ये आ गया जीरो पॉइंट फाइव नाइन सेवन थ्री और रेफर एन टी का एन नहीं प्रेजेंट एवेल्यूटी का इन किस ईयर में यार। अब समस्या खड़ी होने वाली है पॉइंट फाइव नाइन सेवन थ्री फोर्थ ईयर में ढूंढने की कोशिश करते हैं यह है फोर्थ ईयर यह है फोर्थ ईयर और फोर्थ ईयर में क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग पॉइंट फाइव नाइन सेवन थ्री पॉइंट फाइव नाइन सेवन थ्री भगवान पॉइंट फाइव नाइन सेवन थ्री पॉइंट फाइव नाइन सेवन थ्री फाइव नाइन टू वन कितने परसेंट पे फोर्टीन पर फाइव नाइन सेवन थ्री चाहिए पॉइंट फाइव नाइन टू वन मतलब सर इससे ज्यादा चाहिए इससे ज्यादा चाहिए ना तो सर पंद्रह परसेंट अगर पंद्रह परसेंट ले रहे तो फैक्टर और कम हो रहा है भाई सर सोलह ले रहे तो फैक्टर और कम हो रहा है मुझे इससे तो ज्यादा चाहिए मतलब सर ये वाला कितने परसेंट पे तेरह परसेंट पे बात समझने की कोशिश करना क्या आईआरआर आर थर्टीन परसेंट होगा हो ही नहीं सकता क्या आई आर होगा वो भी नहीं हो सकता आयर आर क्या फोर्टीन से ज्यादा होगा नहीं हो सकता फोर्टीन से ज्यादा नहीं हो सकता मालूम है क्यों क्योंकि जैसे फोर्टीन से ज्यादा करूंगा तो फैक्टर बढ़ना चाहिए ना मुझे तो ज्यादा चाहिए तो कम हो रहा है तो आयर आर फोर्टीन से कम होगा पर थर्टीन से ज्यादा होगा बात समझने कॉस आपको बारीकियां समझ में आ जाए ना तो दिक्कत इसलिए तो सी फाइनल यहां मुश्किल आ जाता है यहाँ मुश्किल है सर वो अल्टरनेटिव वन कितना अच्छा था बहुत अच्छा था लेकिन यहाँ तो दिक्कत है आईआरआर एर थर्टीन से ज्यादा फोर्टीन से कम ठीक तो अब कैसे निकालेंगे अब इंटरपोलेशन करेंगे इसको बोला जाता है इंटरपोलेशन ये थोड़ा सा मुश्किल है फॉर्मूला यूज करते हैं मैं फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा मैं कोई फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा मैं समझाने की कोशिश करूंगा कॉन्सेप्ट इसको अच्छे से समझ लेना इसके बाद कोई एग्जाम्पल नहीं करवा रहा हूं अब अगली क्लास में होगा पर इस पर प्रैक्टिस करके आपको आना है ठीक थर्टीन परसेंट पर कितना फैक्टर है फैक्टर देखो अच्छे से देखो थर्टीन परसेंट पे क्या फैक्टर है सर थर्टीन परसेंट पे पॉइंट सिक्स वन थ्री थ्री थर्टीन परसेंट पर है थ्री थ्री कोई दिक्कत नहीं ऐसे जब मैंने फोर्टीन परसेंट लिया तो फैक्टर चेंज हो गया कम हो गया और कितना कम हो गया फोर्टीन परसेंट पे सर फाइव नाइन टू वन फाइव नाइन टू वन यहाँ तक ठीक है पर मुझे फैक्टर चाहिए कौन सा फैक्टर चाहिए जीरो पॉइंट फाइव यहाँ तक ठीक है यस सर तो ऐसे एग्जाम में दिखा सकते कि दिखा सकते कोई दिक्कत अब कॉन्सेप्ट समझना जैसे ही हम फैक्टर जैसे ही फैक्टर एक परसेंट से बढ़ाते हैं जैसे ही रेट एक परसेंट से बढ़ाते हैं तो फैक्टर डाउन होता है चेंज होता है कितने का चेंज होता है फैक्टर में जरा देखते हैं पॉइंट सिक्स वन थ्री थ्री माइनस पॉइंट फाइव नाइन टू वन तो सर वो चेंज हो जाता है जीरो पॉइंट जीरो टू वन टू जैसे रेट को बढ़ाते हैं, हम एक परसेंट से रेट के बढ़ने से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कम होता है तो ये कम हो जाता है कितना 0.0212 से पर मुझे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इतना कम नहीं करना है मुझे यहां से यहां पहुंचना है यहां से सिर्फ यहां पहुंचना है। मतलब 0.6133 0.5973 मुझे पहुंचना मुझे डाउन करना है 0.016 बहुत मुश्किल है हां मुश्किल तो है पर कोशिश करने वाली एक परसेंट रेट बढ़ाने से इतना फैक्टर चेंज होता है तो इतने के लिए कितना परसेंटेज रेट बढ़ाना पड़ेगा क्या यूनिटरी मेथड पढ़ रखा है पहले मैं यूनिटरी मेथड से समझाने की कोशिश करता मैं क्या बोल रहा हूं यूनिटरी मेथड ध्यान से देखना जीरो पॉइंट जीरो टू वन टू फैक्टर गिरता है डाउन होता है कितने परसेंट से एक परसेंट वन भी लिख सकते हो सीधा वन वन के लिए तो जीरो पॉइंट जीरो वन सिक्स के लिए कितना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है सर यस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सर जीरो पॉइंट जीरो वन सिक्स इन वन डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट जीरो टू वन टू यही तो हो गया ना सर पॉइंट जीरो वन सिक्स डिवाइडेड पॉइंट जीरो टू वन टू सर ये आ गया फाइव परसेंटेज ये कितना है पॉइंट सेवन एक परसेंट के लिए इतना नहीं जीरो पॉइंट जीरो टू वन टू

ये यूनिट्री मेथड को हम यूज नहीं करेंगे हम सिंपल सा एक लिखेंगे यहाँ अब देखो यहाँ कैसे लिखेंगे आई आर आरिप्ट क्या थर्टीन लगना है यस प्लस क्योंकि ये परसेंटेज में है तो ऊपर वन आएगा वन वन के बराबर कितना सर ये पेबैक पीरियड में करते थे ना हाँ वही तो मैं करवा रहा हूँ मुझे चाहिए कितना जीरो पॉइंट जीरो ये मैं पेबैक पीरियड यहां परसेंटेज है तो ऊपर परसेंटेज तो यहाँ परसेंटेज है तो यहाँ ऊपर वन परसेंटेज लिए वन परसेंट के बराबर कितना इतना इतने के लिए कितना परसेंटेज आंसर आ जाएगा थर्टीन पॉइंट सेवन फाइव यही काम हो रहा है पर मैंने सीधा सीधा ऐसे याद रहेगा कब तक हम यूनिटरी मेथड करते रहे अब पूछो फिर से कौन सा मेथड अच्छा है कौन सा अल्टरनेटिव अच्छा सर अल्टरनेटिव वन पर आपको ये भी करना ही पड़ेगा ठीक है सर तो मेरे ख्याल से अब आपकी कैपेसिटी खत्म हो चुकी होगी तो आईआरआर अभी खत्म नहीं हुआ सर इस पे प्रैक्टिस और करवाइए ना प्लीज करवाऊंगा अगली क्लास में तो आईआरआर में अभी बहुत कुछ बाकी है इट मींस अगली क्लास ब्रेक से पहले पहले हमारा आईआरआर खत्म हो जाएगा मुझे ऐसी उम्मीद है हो जाएगा और इस पे भी प्रैक्टिस हो जाएगी पर कल की क्लास करने से पहले एक बार इसका रिविजन जरूर करना दोनों तरीके से एक बार रिविजन करोगे तो मुझे कल की क्लास करवाने में ज्यादा मजा आएगा थैंक यू सो मच कल मिलते हैं और समझते आई यार क्या था अभी मजा सर थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा लगेगा ना लेकिन यकीन मानो ना आप और थोड़ा सा साथ दीजिए मेरा आप एक्सपर्ट हो चुके हो गया ठीक है इसके पीछे फॉर्मूला भी है हालांकि इसका पर मैं फॉर्मूले पे ज्यादा अपर वैल्यू लोअर वैल्यू मुझे वो कुछ नहीं करवाना ठीक है थैंक यू सो मच बाय-बाय मिलते हैं अगली क्लास में आरआर खत्म होगा बेसिक खत्म हो जाएगा पूरा बेसिक्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग खत्म हो जाएगा हां जी गुड मॉर्निंग तो चलो जी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग पिछला क्या-क्या पढ़ा था एक बार उसका रिवीजन कर ले क्या-क्या-क्या हुआ था यस yes. एक हुआ था हमारा पे बैक पीरियड यस सर पे बैक पीरियड उसके बाद अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड उसके बाद एनपीवी और उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड आई तो मुद्दे की बात यह है कि हम बात कर लेते हैं आई पर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पे आज हमारा बेसिक्स पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और कल से हम बुक के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ठीक है सर तो सवाल ये है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक्चुअल में क्या है एक्चुअल में है कि किसी प्रोजेक्ट में हम पैसा लगा रहे हैं तो उससे हमें कितना परसेंटेज रिटर्न मिलेगा दिस आयर डिसीजन कैसे लेते हैं सर डिसीजन ऐसे लेते हैं कि किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हो अगर रिटर्न मिल रहा है दस परसेंट जबकि जहां से पैसा उठाया है हमें आठ परसेंट ही देना है आठ परसेंट देना है टेन परसेंट कमा रहा है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए सर अगर हमारे पास पैसा है अगर हमारे पास ऑलरेडी पैसा है तो उसको हम कहीं ना कहीं तो लगाते तो उसको आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल सकते अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर उससे भी ज्यादा कमा रहे हैं तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट अगर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रपोजल है इट मीन्स दो प्रोजेक्ट में से किसी एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है तो ऐसा प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें आई क्या हो ज्यादा ठीक है समस्या उसकी नहीं है कॉन्सेप्ट की समस्या कै। कैलकुलेशन की कैलकुलेशन मैंने आपको समझाया था और कैलकुलेशन से, से एक बात निकल के आई थी कि आई एक ऐसा डिस्काउंटिंग रेट है जिस पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो दोनों बराबर होगा

वो लास्ट एग्जाम्पल करवाया था तो मेरी इच्छा है कि उसी के जैसा और एक एग्जाम्पल को एग्जाम्पल मुझे नहीं मालूम नंबर आप देख लेना पर एग्जाम्पल मैं सेट करता हूं फिर से एक एग्जाम्पल वैसे ही वाला करवाता हूं ठीक है फिर थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे फिर आईआरआर में कुछ नया करेंगे अभी पहले एग्जाम्पल में कुछ नया नहीं है पहला एग्जाम्पल रिविजन फिर इसके बाद जो एग्ज़ाम्पल करेंगे उसमें कुछ नई बातें निकल के आएगी फिर नहीं ये एक घंटे में जो हमारा ब्रेक से पहले पहले आई आर आर खत्म हो जाएगा मुझे उम्मीद है हो जाएगा हंड्रेड परसेंट उसके बाद एनपीवी के एक दो कॉन्सेप्ट से जो समझाना है बेसिक कॉन्सेप्ट और इसके बाद हमारा पूरी तरह से बेसिक्स ख़त्म हो जाएगा ठीक है सर स्टार्ट करें यस एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहा हूँ मेरे ख्याल से आप कोशिश करना बनाने की प्लीज आप कोशिश करोगे तो बनेगा इक्षाम्पल। सर नंबर कौन सा वो आप देख लेना आपकी कॉपी में होगा मुझे इतना कहां याद रहेगा बड़ी सारी क्लासेस चलती है उसमें आपका कौन सा एग्जाम्पल नंबर है वो कैसे मैं डिसाइड करू पर लिखना है मेरे साथ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड लाइफ थ्री ईयर्स ले दू थ्री ईयर्स लाइफ की बात ही कर cash out -to, cost of project means cash out cash inflows at the end of 30 years गया one nine, one three, ये आ गया रुपीस वन नाइन वन थ्री फाइव और ये निकालना है आई सर एक ही अल्टरनेटिव से कर सकते कि कर सकते हो पर मैं दोनों से करवाऊंगा अब खत्म कर रहा है पैकअप हो रहा है थोड़ा ढंग से हो जाए पूरी तरह से ऐसा ना हो कि यार इसको छोड़ देते क्यों छोड़ देते कर लेते पूरा पहला काम क्या करूंगा पहले करूंगा मैं अल्टरनेटिव वन से अल्टरनेटिव वन कितना पैसा लग रहा है वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड वन प्लस आर पावर थ्री कितना हो जाएगा वन नाइन वन फाइव टू वन नाइन वन थ्री फाइव टू ठीक है आगे काम क्या करेंगे वन नाइन वन थ्री फाइव टू डिवाइडेड बाय वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड

जो आया वन पॉइंट फाइव थ्री जीरो एट कितने बार स्क्वायर रूट करना बारह बार एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह माइनस वन डिवाइडेड बाय वन बाई थ्री प्लस वन इंटू इक्वल टू एक बार दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तो सर ये आ गया सॉल्व करने से वन पॉइंट वन फाइव टू फाइव तो आर इज इक्वल टू जीरो आई आर माइनस वन इंटू हंड्रेड तो, तो सर आंसर आ रहा है फिफ्टीन पॉइंट टू फाइव परसेंट सीधा सीधा अल्टरनेटिव वन आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको अल्टरनेटिव टू अच्छे से समझ में आ जाता है सीएमए uh, में सीएमए uh, में अल्टरनेटिव वन बहुत कम चांसेस है करने के क्योंकि टेबल हंड्रेड ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर नहीं है आज तक का जिसमें अल्टरनेटिव वन नहीं आया तो ठीक है जी अल्टरनेटिव टू कर लेते हैं अल्टरनेटिव टू और स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आयर इज अ डिस्काउंटिंग रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटलुक इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इंट पैसा कितना जा ज्यादा पैसा आ कितना वन नाइन वन थ्री फाइव टू इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कितने परसेंटेज का सर यही तो निकालना है कितने ईयर्स थ्री तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर इज वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डिवाइडेड बाय वन नाइन वन थ्री फाइव टू तो सर ये आ गया जीरो पॉइंट सिक्स फाइव थ्री टू अब क्या करना पड़ेगा अब हमें ढूंढना पड़ेगा रेफर प्रेजेंट वैल्यू टेबल इन थर्ड ईयर ढूंढने की कोशिश करेंगे पॉइंट सिक्स फाइव थ्री टू पॉइंट सिक्स फाइव थ्री टू पॉइंट सिक्स फाइव थ्री टू कौन सी ईयर में ढूंढने की कोशिश करेंगे थर्ड ईयर क्या पॉइंट सिक्स फाइव थ्री टू सिक्स फाइव सिक्स फाइव सिक्स फाइव सिक्स फाइव सिक्स सिक्स फाइव ये मिला सिक्स फाइव सेवन फाइव अब पॉइंट सिक्स फाइव सेवन फाइव से ज्यादा चाहिए कि कम सर कम अगर कम चाहिए तो इससे जैसे जैसे रेट बढ़ता है फैक्टर कम होता है तो इससे पहले वाला चाहिए कि इसके बाद वाला इसके बाद वाला क्योंकि पॉइंट सिक्स फाइव थ्री टू पंद्रह परसेंट और सोलह परसेंट के बीच में होगा कि फोर्टीन और फिफ्टीन के बीच में होगा यह सोचना पड़ेगा आपको अगर मैं फोर्टीन लेता हूं तो ये तो और ज्यादा हो रहा है ना मुझे तो कम करना है तो सर फिफ्टीन और सिक्सटीन के बीच में फिफ्टीन पे ये ये है और 16 पे फिफ्टीन परसेंट सिक्स सेवन फाइव जो कि मुझे नहीं चाहिए और सिक्सटीन परसेंट पे कितना है इंट सिक्स फोर जीरो जैसे ही हम एक परसेंट बढ़ाते हैं तो चेंज हो जाता है कितना पॉइंट सिक्स फाइव सेवन फाइव माइनस पॉइंट सिक्स फोर जीरो सेवन जीरो जीरो पॉइंट जीरो वन सिक्स एट पर मुझे इतना थोड़ी चेंज करवाना है इतना कम थोड़ी इन दोनों को मुझे चाहिए कितना सर मुझे चाहिए पॉइंट सिक्स फाइव थ्री टू तो मुझे यहाँ से डाउन करना है पर इतना डाउन नहीं करना यहीं तक पहुंचना मतलब मतलब कितना चेंज चाहिए पॉइंट सिक्स फाइव सेवन फाइव माइनस पॉइंट सिक्स फाइव थ्री टू मुझे चाहिए पॉइंट जीरो जीरो फोर थ्री इन दोनों के बीच का डिफरेंस इसको बोला जाता है इंटरपोलेशन तो आईएएर कितना होगा 15 तो लगेगा ही लगेगा जैसे ही एक परसेंट उसमें चेंज होता है 0.0168 का तो 0.0043 का कितने में चेंज तो 0.0043 डिवाइडेड बाय 0.0168 प्लस 15 एप्रॉक्स आ गया कुछ लोग 15.26 भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं। का वैसे चलता है, ठीक है सर ये कुछ नया था कि कुछ नया नहीं था ये तो उस दिन ही वाला करवाया कल वाली क्लास का ही रिवीजन है अगर मैं कहूँ ये कल वाली क्लास का ही रिवीजन, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए अब आगे चले यस सर ये कल की क्लास का रिवीजन था अब हम लोग आगे चल रहे हैं हां जितने भी एग्जाम्पल किए आई आर आर के हम क्या एजेंशन लेके चल रहे हैं सर हम ये एजेंशन लेके चल रहे हैं कि पैसा लगाएंगे आज और अगर तीन साल का प्रोजेक्ट है तो पैसा हर साल नहीं आएगा थर्ड ईयर के एंड में आएगा जो कि गलत है अगर आप किसी भी बिजनेस में किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हो तो आज लगा के सीधा पांचवे साल में पैसा आएगा ऐसे नहीं होता जनरली ऐसा होता हर साल पैसा आएगा तो फिर आई कैसे निकलेगा अच्छा सर ये दिक्कत है हाँ तो अब उसको कैसे करेंगे वो भी एग्जाम्पल के थ्रू तो? एग्जाम्पल उटक्रॉस मैं सेट करके दे रहा हूं एग्जांपल आपको दिक्कत ना हो रुपीस थ्री सेवन नाइन जीरो एट जीरो मतलब कॉस्ट ऑफ तो प्रोजेक्ट लाइफ कितनी है पांच सा कैश इनफ्लोस रुपीज वन लैख पर है और अब निकलना है आई आरआर इज मोस्ट इंपोर्टेंट अब निकालना है आपको आई आर आर इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि एक लाख रुपए सीधा पांचवे साल में आएगा मैं आपसे बोल रहा हूं हर साल एक एक लाख रुपए आएगा अब कैसे करोगे अभी भी मैं दो अल्टरनेटिव से या तो टेबल का यूज करके या तो विदाउट टेबल पर पहले अब मैं टेबल का यूज करके समझाऊंगा क्योंकि वो आपके काम का है और फिर आपके मन में सवाल आएगा कि अगर सर टेबल नहीं दिया है तो कैसे तो भी हो जाएगा वो भी समझाऊंगा मैं दोनों ही तरीके से समझाऊंगा सबसे पहले आप सीएमए कर रहे हो तो क्या आपको टेबल दिया रहेगा हाँ तो पहले सीएमए वाले बच्चों के लिए और आप ही को तो पढ़ा रहा हूं तो आप ही के लिए सबसे पहले आइए डिस्काउंटिंग रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लो बोलो आज कितना पैसा जा रहा है सर आज कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है थ्री सेवन नाइन जीरो एट जीरो आ कितना आ रहा है एक लाख अब यहां काम की चीज है यह सीधा फिफ्थ ईयर में आ रहा कि हर साल आ रहा हर साल और हर साल एक, एक लाख रुपए आ रहा है इसको बोलते एनयूटी एन्यूटी यहां जो फैक्टर लगेगा वो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर लगेगा कि एनयूटी फैक्टर एनयूटी फैक्टर।, फैक्टर ये तो हमको मालूम है इटमीन्स मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहां अगर मैं इसको दूसरे कलर में लिख देता हूं

तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी टी एसी डिवाइड हो जाएगा थ्री सेवन नाइन जीरो लाख तो यह आएगा थ्री पॉइंट सेवन नाइन जीरो पॉइंट सेवन नाइन जीरो अब फिर हम टेबल क्योंकि टेबल दिया रहेगा तो टेबल देखेंगे पर टेबल यहां अलग अलग साल का अक्यूमिटिव टेबल देखना पड़ेगा एन्यूटी टेबल देखना पड़ेगा आपको ठीक ठीक तो सर आ जाएगा रेफ प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी टेबल अब आपके पास टेबल होगी बुक के पीछे जाइए ये फ्यूचर वैल्यू टेबल लिखा है गलत है प्रेजेंट वैल्यू टेबल होगा ठीक है मतलब टेबल नंबर फोर होगा शायद आप चेक कर लीजिए ना कौन सी ईयर में ढूंढने की कोशिश करेंगे सर फिफ्थ ईयर में ढूंढने की कोशिश करेंगे और क्या ढूंढना है हमें फिफ्थ ईयर सर हमें ढूंढना है 3.7908 3.79 और थ्री पॉइंट सेवन नाइन जीरो एट कहां है कहां है कहां है कहां है, है वाव मिल गया दस परसेंट तो आई आर आर कितना आ गया एंड गेट आई आर आर इस ठीक है सर मतलब सर इतनी बात समझ में आ गई है अगर सीधा फिफ्थ ईयर का बोलेगा कि सीधा फिफ्थ ईयर में आ रहा है तो टेबल नंबर थ्री देखेंगे अगर टेबल नंबर थ्री मतलब इंडिविजुअल और अगर बोलेगा कि एनुटी है एन्य हर साल एक जैसा है तो फिर हमको टेबल नंबर फोर देखना पड़ेगा और हमें सीधा प्रेजेंट वाली फैक्टर सिंपल है सर मतलब सर जैसा पहले कर रहे थे वैसे ही होगा बस टेबल चेंज कर रहे हैं लेकिन लेकिन लेकिन, लेकिन लेकिन टेबल नहीं दिया हो तो कैसे करेंगे सवाल बस इतना टेबल नहीं दिया है तो कैसे करेंगे अब दिक्कत है अब ध्यान से इसमें ना पड़ेगा सीएमए वाले बच्चे नहीं देखना चाहते तो मत देखो पर सुनना कैसे किया जाता अगर टेबल ना दिया जाता ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करेंगे सर ट्रायल एंड एरर मेथड मतलब हम एक ऐसा एज्यूम करेंगे एक ऐसा डिस्काउंटिंग रेट ऐसा डिस्काउंटिंग रेट जिस पे एनपीवी जीरो आ जाए और फिर एनपीवी निकालेंगे yes, मैं समझा मुश्किल है पर समझ में आ गया लॉटरी लग जाएगी अल्टरनेटिव कौन सा करवा रहा हूं मैं टू मैं लिख रहा हूं error is a discounting rate at which NPV is zero अब एक ऐसा डिस्काउंटिंग रेट जनरली जनरली मैं टेन परसेंट ले लेता हूं स्टार्ट कहां से करूंगा टेन परसेंट ट्रायल एंड एरर मेथड की मैं बात कर रहा हूं मैं पहले दस परसेंट से एनपीबी निकालने की कोशिश करूंगा और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जीरो आ जाए अगर जीरो नहीं आया तो फिर दूसरा रेट लूंगा अगर जीरो नहीं आया तो फिर तीसरा रेट लूंगा इस तरह से काम करूंगा पर क्योंकि दस परसेंट हमको पता है दस परसेंट पे जीरो आ ही जाएगा तो मैं कोई दूसरा रेट मन से मन से कोई भी रेट ले अधिकतर अधिकतर क्या लगभग ट्रायल एंड एरर मेथड में मैं ट्रायल एंड एरर मेथड में दस परसेंट के हिसाब से काम कर लेता हूं पर मैं यहां अभी दस परसेंट ना लेकर कोई और रेट ले लेता हूं क्योंकि दस परसेंट तो आई आर आर है ही आंसर जीरो ही आना है तो दस परसेंट ना लेकर कोई और रेट ले लेता हूं ठीक है सर आठ परसेंट ले लेके आठ परसेंट ले लेते आठ परसेंट लेते हैं रेट और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि एनपीवी जीरो आ जाए ठीक एनपीवी मालूम है आपको कैसे निकाला जाता है यस फॉर्मूला लिख दूं क्या सर एनपीवी होता है पीवीसीआई माइनस पीवी पहला एजेंशन डिस्काउंटिंग रेट आठ परसेंट में फिर से बोल रहा हूं इस एग्जांपल में मैं एट परसेंट ले रहा हूं अगर क्वेश्चन बना रहा, रहा है तो मैं सबसे पहले टेन से स्टार्ट करूंगा ये तब की बात है अगर टेबल ना दिया हो तो एज्यूम डिस्काउंटिंग रेट आठ परसेंट तो so, NPV AC हर साल कितना कितना आठ परसेंट के हिसाब से पांच साल का फैक्टर क्योंकि टेबल दिया ही नहीं कैलकुलेटर यू उठाना पड़ेगा वन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट जो एट एक दो तीन चार पांच पांच बार इक्वल टू और जीटी सर टेबल देखकर भी लिख सकते कि टेबल ही तो नहीं दिया है ठीक है सर थ्री पॉइंट नाइन � और माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना है थ्री सेवन नाइन जीरो आ जाए देखते एक लाख इंटू थ्री पॉइंट नाइन नाइन टू सेवन माइनस थ्री सेवन नाइन जीरो एट जीरो तो पॉजिटिव आ गया टू जीरो यहां तक ठीक है इसका मतलब यह है कि आई आर आर आठ परसेंट तो नहीं अब इससे ज्यादा वाला रेट लू कि कम वाला सोच समझ के बोलना फिर एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं काम का है जैसे जैसे हम रेट बढ़ाएंगे एनपीवी कम होगा इंपॉर्टेंट है जैसे जैसे रेट बढ़ाते क्योंकि एक बात और है जैसे जैसे रेट बढ़ाते हैं फैक्टर कम होता है अगर फैक्टर कम होगा तो एनपीवी तो कम होगा ही होगा तो अब एक दूसरा रेट कि और प्रार्थना करेगी ले लेते हैं 9 भी ले सकते हो मैं एक दूसरा रेट लेता हूं मैं ग्यारह परसेंट ले लू बारह भी ले सकता हूँ तेरह भी ले सकता हूँ पंद्रह भी ले सकता हूँ कुछ भी ले सकता हूँ सर ग्यारह परसेंट ले लेते हैं क्योंकि मुझे मालूम है दस है। सर अब भी मालूम है मैं आपको बताऊंगा ना ग्यारह लोगे तो भी वही आंसर आएगा बारह परसेंट लोगे तो भी वही आंसर आएगा मैं ग्यारह ले लेता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जीरो आ जाए सर तो जीरो नहीं आने वाला दस परसेंट पे जीरो मैं भी जानता हूं आप भी जानते हो दस परसेंट पे जीरो आएगा लेकिन एक करके तो देखें ऐसे में डिस्काउंटिंग रेट क्या वन डिवाइडेड वन पॉइंट वन वन एक दो तीन चार पांच थ्री पॉइंट सिक्स नाइन फाइव नाइन माइनस थ्री सेवन नाइन जीरो एट जीरो और एनपीवी क्या आना चाहिए जीरो तो सर एक लाख इंटू थ्री पॉइंट सिक्स नाइन फाइव नाइन माइनस थ्री सेवन नाइन जीरो एट जीरो ओ हो आंसर तो माइनस में आ गया सर रुपीज नाइन फोर नाइन अब ये मुझे पता लग गया कि जो आई है वो आठ परसेंट और ग्यारह परसेंट के बीच में है ये तो पता लग गया तो सर फिर अब दस लेके देखेंगे नौ लेके देखेंगे नहीं 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 एक पॉजिटिव निकल गए और एक नेगेटिव निकल गए तो फिर हम इंटरपोलेशन से काम कर लेंगे मतलब हमारा टारगेट रहेगा ट्रायल एंड एर मेथड में कि एनपीवी जब निकाल रहे हो एक एनपीवी नेगेटिव आए और एक एनपीवी पॉजिटिव आए तभी उन दोनों के बीच का ही होगा आई अब हम क्या करेंगे अब हम करेंगे इंटरपोलेशन तो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा करते कि नहीं प्रैक्टिकल लाइफ में तो एम एस एक्सल जिसको यूज करना आता वो तो क्लिक करेगा आंसर निकाल लेगा ठीक है फंक्शन होता है करके मुझे कंप्यूटर थोड़ी सिखाना आपको जब हम ले रहे थे आठ परसेंट तो एनपीवी कितना आ रहा था सर तो एनपीवी आ रहा था पॉजिटिव में टू जीरो वन नाइन जीरो जैसे ही हमने लिया ग्यारह परसेंट तो एनपीवी क्या आ गया सर एनपीवी आ गया नेगेटिव माइनस माइनस ना करके ब्रैकेट लगा दूं क्या ब्रैकेट नाइन फोर नाइन ठीक है तो जैसे ही हम यहां तीन परसेंट बढ़ाते हैं तो जो एनपीवी है उसमें भी चेंज आता अब ये इंपॉर्टेंट है ये है जब 8 था तो एनपीवी था पॉजिटिव जब ग्यारह हुआ तो एनपीवी जीरो से भी कम हो गया इट मीन कितने का चेंज हुआ है कितने का चेंज हुआ है कुछ बच्चे इसमें से ये माइनस करते माइनस नहीं होगा सोच के देखो पहले था ट्वेंटी थाउजेंड वन नाइन जीरो टू जीरो और जैसे ग्यारह परसेंट लिया तो एनपीवी जीरो और फिर जीरो से भी कम मतलब दोनों आपस में जुड़ जाएगा काश आपको ये समझ में आ जाए ना तो मुझे दिक्कत नहीं ठीक है सर मतलब टू जीरो वन नाइन जीरो प्लस नाइन फोर नाइन जीरो तो सर ये हो गया टू नाइन सिक्स एट जीरो काश ये समझ में आ रहा है आपको बीस हजार

टू जीरो वन नाइन जीरो डाउन करना पड़ेगा डाउन करना है पर इतना भी डाउन मत कर दो कि नेगेटिव हो जाए सिर्फ इतना डाउन करना है कि टू जीरो वन नाइन जीरो खत्म हो जाए जो पॉजिटिव है ना वो खत्म हो जाए मुझे एनपीवी जीरो चाहिए ना जीरो क्यों लिखा एनपीवी जीरो, जीरो चाहिए अब तो जैसे कर रहे थे वही करेंगे तो अब आई आर आर कर लेते आठ प्लस ये परसेंटेज तो ऊपर थ्री आएगा टू नाइन सिक्स एट जीरो इंटू टू जीरो इंटू टू जीरो वन नाइन जीरो प्लस आठ तो सर ये आ गया लगभग टेन पॉइंट जीरो फोर परसेंट सर आंसर तो टेन परसेंट आना चाहिए ना यस yes, पर टेन पॉइंट जीरो फोर परसेंट आएगा चल जाएगा इट मीन्स ट्रायल एंड एरर मेथड से कर रहे हो। IRR में 0.25 परसेंट का वेरिएशन चलता है। इसका मतलब अगर आपका आंसर 9.75 परसेंट, आंसर तो 10 परसेंट है एक्यूरेसी। 9.75 परसेंट आता है, या उसके ऊपर आता, तो भी चलेगा। 10.25 परसेंट तक चल जाएगा। 10.04 चल जाएगा। आप सोचो कि सील वाले बच्चों को कितनी दिक्कत होती होगी क्या आंसर अलग अलग आ सकता है आंसर आएगा पर वो उसी रेंज में आएगा टेन परसेंट के आसपास ही आएगा सर ठीक है ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा वेरिएशन होगा सर अगर कोई बच्चा ने चलो हम मानते हैं आठ परसेंट से स्टार्ट किया किसी ने ठीक है और दूसरा रेट मान लो बारह परसेंट ले लिया मान लो बारह परसेंट ले लिया मान लो पंद्रह परसेंट ले लिया मान लो पंद्रह परसेंट ले लिया बारह बिजो पंद्रह दस आठ के बाद सीधा पंद्रह तो भी क्या आंसर इतना ही आएगा हाँ जी आएगा थोड़ा सा वेरिएशन होगा वो चलता है पर आंसर लगभग इतना ही आएगा सर एक बार करके देख ले कि करके देख लेते हैं मैं कब मना कर रहा हूं पर कोशिश करना कि रेट बहुत ज्यादा वेरिएशन ना करे समझ रहे हो रेट बहुत ज़्यादा दूर का नहीं लेना थोड़े पास के दो रेट जो ले रहे, वो थोड़े पास के रहे तो ज़्यादा हो ना थोड़ा सा वेरिएशन आएगा पर टेन पॉइंट टू फाइव से कम ही टेन परसेंट के आसपास आएगा परसेंट लेकर देख रहा हूं हालांकि आंसर खत्म हो गया हमारा पर एक पर पंद्रह परसेंट रेट लेकर देख लेते हम डिस्काउंटिंग रेट 15 परसेंट तो एनपी भी निकाले पहले पंद्रह परसेंट का पांच साल का फैक्टर एक दो तीन चार पाँच जी टी थ्री टू टू भी ले सकते माइनस कितना कॉस्ट थ्री सेवन नाइन जीरो एक लाख इंटू थ्री पॉइंट थ्री फाइव टू टू माइनस थ्री सेवन नाइन जीरो एट जीरो तो ये तो और नेगेटिव आएगा आना ही था माइनस फोर थ्री एट सिक्स तो सर अब किस किस के बीच में लेंगे वही आठ परसेंट पर एनपीवी आ रहा है कितना मैं बात कर रहा हूं कि अगर कोई स्टूडेंट पंद्रह ले लेता है इलेवन की शक टू जीरो वन नाइन जीरो टू ज़ीरो वन नाइन ज़ीरो और पंद्रह परसेंट पे एन पी वी आ रहा है माइनस में फोर थ्री एट सिक्स ज़ीरो तो जैसे ही हम सात परसेंट से डिस्काउंटिंग रेट बढ़ाते हैं तो इसमें कितने का चेंज रहा है टू जीरो वन नाइन जीरो

सेवन डिवाइडेड बाय सिक्स फोर जीरो फाइव जीरो इंटू टू जीरो वन नाइन जीरो प्लस एट तो सर ये तो यार टेन पॉइंट टू वन परसेंट आएगा यस सर चल जाएगा कि ये भी चलेगा पर इसमें जितने दूर जाओगे ना दो रेट जितना दूर रहेगा एक्यूरेसी उतनी खत्म होते रहेगी अगर एक्यूरेट आंसर लाना है तो ज्यादा से ज़्यादा पाँच परसेंट का डिफरेंस चलेगा मतलब एक आठ परसेंट लिया तो दूसरा आठ और पाँच कितना होता है तेरह परसेंट फिर तीसरा तेरह और पांच इस तरह से मैं पाँच परसेंट का डिफरेंस चल जाता है ठीक हालांकि इन सब की मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी क्यों क्योंकि सर ये तो आपको तो टेबल दिया रहेगा तो ये ट्रायल एंड एरर अभी काम नहीं आएगा ट्रायल एंड एरर मेथड काम नहीं आएगा मैं ये नहीं बोल रहा हूं अब भी काम नहीं आएगा पर ट्रायल एंड एरर मेथड की आपको जरूरत तो पड़नी ही पड़नी है सर ठीक है ये बात हम लोगों को समझ में आ गई है ये बात समझ में आ गई है बस एक बात आपसे पूछे आप कह रहे हो कि रेट में ज्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए तो जब आपने पहली बार आठ परसेंट लिया तो दूसरी बार नाइन परसेंट ले लेते हैं उसमें क्या दिक्कत थी बेटे में नाइन परसेंट पे भी पॉजिटिव आता तो फिर आठ परसेंट पे भी पॉजिटिव नौ परसेंट पे भी पॉजिटिव नहीं चलेगा दोनों के बीच में इंटरपोलेशन नहीं कर सकते इंटरपोलेशन करना है तो एक पॉजिटिव एनपीवी तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए ठीक है

सर हमारा टाइम बहुत बर्बाद हो रहा नहीं होगा भाई नहीं होगा अब पढ़ रहे हो तो थोड़ा ढंग से पढ़ लो ठीक एक एग्जाम्पल और ले यस सर अब हम ट्रायल एंड मेथड नहीं करेंगे हम टेबल वाला मेथड हाँ वही वाला करवा दे तो आपका वाला मेथड करवाऊंगा ये मुझे समझाना तो मैं समझा देना तो चले एक एग्जाम्पल और बनाए क्या यस एग्जाम्पल सर कैलकुलेटर छोड़ो बहुत हो गया कैलकुलेटर अब ऐसे अपने मन से एग्जाम्पल बनाते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एक लाख लाइफ फाइव years, एटी बोल After Tax हाँ सर वो तो लग नहीं था Twenty four thousand पर हर बार मुझे पता रहता था कि अयर क्या आने वाला अब की बार मुझे नहीं मालूम ये लो भाई अब मुझे नहीं मालूम कि अयर क्या है और मैं आप ट्रायल एंड एरर मेथड ना करके मैं टेबल वाला मेथड कर रहा हूं ठीक है आईर आर इज डिस्काउंटिंग रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इंटलो ठीक है तो सर कैश आउटफ्लो कितना है? एक लाख हर साल कितना है क्योंकि तो सर

तो सर यह है फोर पॉइंट वन सिक्स सिक्स सेवन चार डिजिट में है तो फोर पॉइंट वन सिक्स सिक्स सेवन अब मुझे नहीं मालूम कितना कहा मिलेगा ये प्रेजेंट वैल्यू

देख सात अब वन सिक्स चाहिए सर इससे ज्यादा चाहिए इससे ज्यादा चाहिए तो सात परसेंट पॉइंट वन डबल जीरो टू अब हमें फैक्टर इससे कम नहीं चाहिए इससे ज्यादा चाहिए तो छह परसेंट और सात परसेंट के बीच में ठीक इंटरपोलेशन हमको आता है तो कैसे लिखोगे सर परसेंट पर फैक्टर है एक सेकेंड हां परसेंट पर फैक्टर है क्या फैक्टर है छे परसेंट पे और सॉरी टेबल देखना पड़ेगा भाई सर छे परसेंट पर है फोर पॉइंट टू वन टू फोर फोर पॉइंट टू वन टू फोर और सात परसेंट पर फैक्टर है फोर पॉइंट वन डबल जीरो टू फोर पॉइंट वन डबल जीरो टू और मुझे फैक्टर चाहिए इन दोनों के बीच का फोर पॉइंट वन सिक्स सिक्स सेवन ठीक है यहाँ तक ठीक तो सर जैसे ही हम एक परसेंट बढ़ाते हैं तो फैक्टर में चेंज हो जाता है फैक्टर डाउन हो जाता है कितना फैक्टर डाउन हो जाता है सर फोर पॉइंट टू वन टू फोर माइनस फोर पॉइंट वन डबल जीरो टू तो सर ये हो जाता है जीरो पॉइंट जीरो नहीं ज़ीरो पॉइंट वन

तो पॉइंट जीरो फोर फाइव सेवन डिवाइडेड पॉइंट वन वन टू टू प्लस सिक्स तो आंसर आ जाएगा सर सिक्स पॉइंट फोर वन परसेंटेज कैसा लगा ये अच्छा सर टेबल वाला मजा आ गया और इसमें इंटरपोलेशन भी सीख लिया किस तरह से ठीक तो सर आई खत्म हो गया कि नहीं अब एक पिक्चर और बाकी है। अब क्या बच गया सर सी एक पिक्चर, एक पिक्चर बाकी है कि मेरा ये मानना है कि सी 24000 चौबीस हजार आएगा हर साल हर साल ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर पर ऐसा भी तो हो सकता है ना किसी साल ट्वेंटी फोर थाउजेंड आए किसी साल ट्वेंटी थ्री थाउजेंड आए किसी साल ट्वेंटी वन थाउजेंड आए ऐसा भी तो हो सकता है उसमें कैसे करेंगे ये लास्ट काम है यही लास्ट काम बचा हुआ उसके अलावा हो गया और सर परपेचुअल परपेचुअल भी मैं ऐसा आपको समझा दूंगा उसका कोई समस्या नहीं परपेचुअल में काम क्या होगा वो भी मैं आपको समझा दूंगा पर अभी एक बात समझ में आ गई कि अगर हर साल अलग अलग आता है तो क्या करेंगे चौबीस हजार फिर तेईस हजार फिर बाईस हजार फिर तो एनुअटी टेबल लगा ही नहीं सकते फिर क्या होगा सर चलो वो वाला एग्जाम्पल आपके साथ करने वाला ठीक है तो मैंने कहा था ब्रेक से पहले आई खत्म हो जाएगा तो सीरियसली ब्रेक से पहले आई खत्म होने वाला है बस सुनना है आपको ध्यान से लास्ट एग्जाम्पल अब इसको ध्यान से करना भाई ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल

और एटीन आवजर अब क्या करें ये लास्ट मुश्किल मुश्किल काम अब अब स्टार्ट हुआ अब क्या करें अब अयर आर कैसे निकाल अब अगर टेबल नहीं दिया है मान लो टेबल नहीं दिया तो भाई साहब ऐसा रेट है जिसपे एनपीवी जीरो हो मैं टेन परसेंट उठाऊंगा कोशिश करूंगा टेन परसेंट से जीरो आ जाए पर टेन परसेंट से जीरो नहीं आएगा तो कोई भी दो परसेंटेज परसेंट जीरो हिसाब से दूसरा फैक्टर लेके इन दोनों के बीच मतलब सर ट्रायल एंड एरर मैथड हाँ इसको सिर्फ ट्रायल एंड एरर मैथड से ही कर सकते और कोई ऑप्शन नहीं सर, दूसरा तरीका क्या है दूसरा ठीक है सर और कोई और कोई मेथड नहीं सिर्फ ट्रायल नहीं। तो सर रेट टेन परसेंट ही ले ट्वेंटी भी ले सकते हैं फिफ्टीन भी ले सकते हैं ले तो कुछ भी सकते हो सर ये एक समस्या आ जाती है कि रेट कौन सा ले रेट कौन सा ले इसके लिए फिर और एक तरीका हाँ जी हम क्या करेंगे हम मान के चलेंगे सुनो रेट कौन सा ले इस बात पे समस्या है करना तो ट्रायल एंड एरर मेथड ही है अगर टेबल नहीं दिया सीए फाइनल की मैं बात करूं सीए वाले बच्चों के लिए हम लोग टेन परसेंट उठाकर काम कर लेते हैं पर क्योंकि आपको टेबल दिया है देखो मेरी बात अगर क्वेश्चन दिया है तो क्वेश्चन में दो रेट दिया रहेगा कोई भी दो दो तीन रेट दिया है।, ये लेना, नहीं तो ये लेना। है तो फिर आप कैसे करें तो अब पहले मैं कोशिश करूंगा कि मैं कौन सा वाला रेट लूं और कौन सा वाला रेट लूं इसके लिए एक बार करके बताओ कि तो समझ में आएगा ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा बिल्कुल मैं क्या कर रहा हूं मैं कर रहा हूं एवरेज सी एफ एवरेज सी एफ एटी निकाल लूंगा एवरेज कैसे निकालते मालूम पच्चीस हजार हाल सत्ताइस हजार प्लस ट्वेंटी वन थाउजेंड प्लस थर्टी थाउजेंड प्लस एटीन थाउजेंड डिवाइड किससे कर दूंगा मैं फाइव से

प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ये हमको मालूम है और ये भी मालूम है हर साल चौबीस हजार दो आ रहा है फिर तो वही वाला पहले वाला तरीका हो गया यस yes. मतलब सर सर लेकिन ये गलत है हाँ गलत है बस मैं रेट पता करने की कोशिश कर तो रहा तो हूं ठीक मतलब हाँ, बस तो चौबीस प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी कौन सी में फिफ्टी ईयर थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ टाइम बहुत ज्यादा चला गया तो एक भी सर एक लाखेड पीरियड में तो हम ये मान के चल रहा है कि हर साल कैश फ्लो एक जैसा आता है तब इस तरह से पे बैक पीरियड निकालते हैं इसको बोलते हैं फेक पे बैकियड झूठ मूठ में पे बैक पीरियड निकाल रहे हैं मैं उतने शब्दों पे नहीं जाना चाहता फेक पे बैक पीरियड क्या होता है बस ये हमको मालूम है कि यार इससे फैक्टर निकलाएगा एक लाख डिवाइडेड बाय 24 सर 200 तो सर ये आ गया 4.1322 यहां तक कोई समस्या सिर्फ क्या कोशिश कर रहा हूं रेट पता कर तो देखते हैं 4.1322 फिफ्थ ईयर में कितना फिफ्थ ईयर में क्या ढूंढना है 4.1322 4.1322 13 सर इसी के सात परसेंट के आसपास है तो सर अब इन दोनों को इंटरपोलेट करेंगे अब नहीं करेंगे अब क्योंकि आप निकाल ही गलत रहे हो ये गलत है ये जो है ये गलत है बस आपको रेट पता लग जाए कि सात परसेंट के आसपास लेना है अब फिर अब स्टार्ट होगा ट्रायल एंड एरर मेथड और स्टार्ट कहां से करेगी सेवन परसेंट से अच्छा रेट अप्रोक्सीमेट आई आर आर बोल सकते ठीक है तो सर आई आर आर सेवन परसेंट है कि मैंने ऐसा नहीं बोला मैंने कहा अप्रोक्सीमेट रेट फेक आई आर आर फेक आई आर आर बोलते दस परसेंट से करूं तो भी कोई समस्या नहीं है पर आइडिया मिल गया यार सात परसेंट के आसपास से तो अब मैं सात परसेंट से क्या करूंगा NPV निकालूंगा जो कि जीरो आना चाहिए नहीं आएगा तो कोई दूसरा रेट लूंगा ये काम होता है अच्छा सर तो अब क्या करेंगे अब हम निकालने जा रहे हैं क्या एनपीवी मतलब सर एनपीवी निकालना ही पड़ेगा हाँ भाई हाँ कसम खा लो अगर हर साल का कैश फ्लो अलग अलग है तो आपको एनपीवी निकालना पड़ेगा ताकि जीरो आ जाए बस रेट का आइडिया लेने के लिए मैंने सेवन परसेंट किया अगर सीए वाले बच्चे होते तो हम ये काम करते नहीं हम सीधा दस परसेंट उठाते और फिर देखते कि क्या होता ठीक स्टार्ट करें रेट एट विच एनपीवी इज जीरो क्या एनपीवी का फॉर्मूला पता है यस एनपीवी पी वी सी आई माइनस पीवीसी पहला डिस्काउंटिकेटन पास अब आप एनपीवी निकालने अब एनपीवी निकालने के दो तरीके फैक्टर से मल्टीप्लाई करके भी और डिवाइड में डिवाइड वाले से कर रहा फैक्टर से मल्टीप्लाई करने में टाइम लगता है अब स्टार्ट करें एनपीवीसी पहले साल कितना पच्चीस हजार सत्ताईस हजार पच्चीस हजार डिवाइडेड बाय पॉइंट जीरो सेवन पावर प्लस सत्ताईस ट्वेंटी वन थर्टी ट्वेंटीड बाय पॉइंट जीरो सेवन पावर थ्री Plus, 4, प्लस थर्टी थाउजेंड वन पॉइंट जीरो सेवन पावर फोर प्लस लास्ट एटीन थाउजेंड वन पॉइंट जीरो सेवन पावर फाइव माइनस और भगवान से प्रार्थना करो कि एनपी भी जीरो आ जाए और इसको कैसे करते है पता फैक्टर वाले से भी कर सकते हो टाइम ज्यादा लगेगा उसमें ट्वेंटी फाइव थाउजेंडेड दो बार इक्वल टू एम प्लस थर्टी थाउजेंड एक दो तीन चार एम प्लस अठारह हजार तीन चार पांच एम प्लस एम आर सी माइनस तो सर ये सही निकला था पर ये थोड़ा सा माइनस में आ गया माइनस वन एटी नाइन वन नाइन जीरो लेना उसको एनपीवी नेगेटिव आ गए जैसे जैसे रेट बढ़ाते हो एनपीवी और कम होता है मतलब अब की बार रेट हमें सात परसेंट नहीं लेना है तो सर कितना ले ले सर अब छह परसेंट लेकर देख ले, ले। याद रखना एनपीवी नेगेटिव नहीं आना चाहिए पांच भी ले सकते हो सर पांच ले लेते हैं

हाँ सर छह परसेंट पे तो पॉजिटिव आ रहा है ना सर क्यों तो पांच परसेंट ले रहे हैं क्योंकि रेट जितना अच्छा रहेगा पास पास उतना अच्छा है छह परसेंट लेक है ठीक है हाँ लेकिन प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ेगा दिखाना पड़ेगा यहाँ आप कैलकुलेटर से नहीं कर सकते वन पावर वन प्लस ट्वेंटी सेवन थाउजेंड वन पॉइंट जीरो सिक्स पावर टू प्लस ट्वेंटी वन थाउजें वन पॉइंट जीरो सिक्स पावर थ्री प्लस थर्टी थाउजेंड वन पॉइंट सिक्स पावर फोर प्लस एटीन थाउजेंड वन पॉइंट सिक्स पावर फाइव माइनस एक लाख निकाला तो था यार फिर से निकाला पच्चीस हजार इक्वल टू एम प्लस दो बार इक्वल टू एम प्लस एक दो तीन एम प्लस एक दो तीन चार एम प्लस एक दो तीन चार, चार पाँच एम प्लस एम आर सी माइनस सर ये आ गया पॉजिटिव टू फोर सिक्स जीरो अब इंटरपोलेशन करना पड़ेगा सर कितना टाइम रहेगा भाई सोलह नंबर का क्वेश्चन आता है तो फिर कैसे करोगे इंटरपोलेशन ऐसे होगा छ परसेंट पर एनपीवी आ रहा है टू फोर सिक्स जीरो और सात परसेंट पर एनपीवी आ रहा है वन नाइन जीरो जैसे ही हम एक बढ़ाते एन पी प्लस होगा याद रखना टू सिक्स फाइव जीरो पर मुझे तो एन पी भी चाहिए जीरो तो मुझे डाउन करना पड़ेगा टू फोर सिक्स जीरो आयर आ जाएगा सिक्स प्लस वन टू सिक्स फाइव जीरो टू फोर सिक्स जीरो इन टू टू फोर सिक्स जीरो प्लस सिक्स तो सर ये आ गया सिक्स पॉइंट नाइन थ्री परसेंटेज आयर सर वापस एन निकाले कि जीरो लाने के लिए अभी कुछ नहीं करना हो गया ठीक है ओहो एक घंटा इसी में निकल गए कैसा लगा सर बेहतरीन मजा आया तो ये सब खेल है आई का अभी और भी बातें करनी है आई पे पर ऐसा नहीं है कि और बातें नहीं करनी सर बातें कर लो ना जो करना है पांच मिनट एक घंटा हो गया है क्लास का ब्रेक का टाइम हो गया पर क्या मैं पंद्रह मिनट और ले लूँ आपका तो आई ही खत्म हो जाएगा पूरी तरह से एक एग्जाम्पल और करवाना है एक्चुअल में एक एग्जाम्पल और करवाना है तो आई आर आर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा ब्रेक के बाद भले ही हम चालीस मिनट की क्लास ले लेंगे तो भी चल जाएगा पर एक कॉन्सेप्ट है आई आर आर को वो खत्म करवा दिया एक चीज़ पूछने वाला हूँ वो खत्म करवा दिया तो मेरा टेंशन खत्म हो जाएगा ठीक है इसको नोट करो मैं वो करवा रहा हूँ अभी ब्रेक नहीं है ब्रेक नहीं है चल एक एग्जांपल और करवाना जरूरी है कुछ बातें सीखने को मिलेगी दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल कुछ कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे वो कॉन्सेप्ट्स करवाना है बस प्रोजेक्ट रुपीस एक लाख लाइक फाइव इयर्स ही लेते हैं सी एफ eight ईयर वन टू थ्री फोर फाइव फोर्टी थाउजेंड फोर्टी फाइव थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड और फिफ्टीन थाउजेंड अब काम की चीजें बट Calculate NPV if cost of capital is ten percent. Calculate IRR. और नंबर थ्री भी जोड़ देता हूं एंड डिसाइड वेदर प्रोजेक्ट शुड बी accepted and not on the basis of and and ir it कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एक लाख लाइफ है पांच साल सीएफी दिया है हर साल का आपको सबसे पहले एनपीवी निकालना है अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और, में, और टू में मत कर। थ्री में हमें डिसीजन लेना है कि किस बेसिस पे एनपीवी के बेसिस पे प्रोजेक्ट करे कि नहीं करे फिर डिसाइड करना आईअर के बेसिस पे प्रोजेक्ट करे या ना करे ठीक है तो एनपीवी में तो आप एक्सपर्ट हो पहला पॉइंट करें लिख लिया होगा मुझे उम्मीद है कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी

उजेंड दो बार इक्वल टू तो एम प्लस ट्वेंटी थाउजेंड एक दो तीन एम प्लस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एक दो तीन चार एम प्लस और फिफ्टीन थाउजेंड एक दो तीन चार पाँच एम प्लस एम आर सी माइनस एक लाख तो आंसर आ रहा है रुपीस वन फोर नाइन सिक्स अगर एनपीवी के बेसिस पे डिसीजन लेना है अगर एनपीवी के हिसाब से डिसीजन, वैसे डिसीजन किसमें लेना पॉइंट नंबर थ्री में पर अगर एनपीवी के हिसाब से डिसीजन लेना है तो क्या प्रोजेक्ट हमें कर लेना चाहिए आंसर क्या आएगा यस क्यों यस क्योंकि सर एनपीवी पॉजिटिव है और एनपीवी पॉजिटिव तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए सर यही लिख लेके यही लिख लेते हैं दिक्कत क्या पॉइंट नंबर थ्री का यही लिख रहा हूं Since NPV is positive, hence project should be accepted. Okay. अब सवाल है सर ये तो हमको बहुत अच्छे से आता एनपीवी में समस्या नहीं है समस्या कहां है कि IRR। तो अब अब मेरी बात सुनो के ध्यान से अब मैं कोई फेक पीरियड या फिर इसका एवरेज नहीं कर रहा हूं क्यों नहीं कर रहा हूं मैं आपको बता। क्या ऑलरेडी मैंने एनपीवी निकाला है कितने परसेंट से दस परसेंट से निकल चुका है और एनपीवी क्या आ रहा पॉजिटिव तो अब एक काम करते ना हम टाइम पास क्यों करें एक दूसरा रेट ले लेते और जो रेट लेंगे आई आर आर निकालना दूसरा रेट लेंगे और जो रेट लेंगे, लेंगे क्योंकि उस पर ज्यादा रेट लेना पड़ेगा कि कम रेट लेना पड़ेगा। सर जैसे जैसे कम आएगा। मतलब सर इससे बड़ा वाला रेट लेना पड़ेगा यस और अब हमें दूसरा रेट लेना पड़ेगा और कौन सा रेट ले लेते हैं पंद्रह परसेंट तो पंद्रह परसेंट ले सकते डिफरेंस में रखूंगा हमेशा और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उस पे एनपीवी जो है वो जीरो आ जाए ठीक है तो आई आर कैलकुलेशन करें यस कैलकुलेशन ऑफ आई आर आर जब आपने डिस्काउंटिंग रेट टेन परसेंट लिया तो एनपी भी पॉजिटिव आ रहा है वन फोर नाइन सिक्स नाइन अब मुझे टेबल की जरूरत नहीं तो सर अब अगला डिस्काउंटिंग रेट पंद्रह परसेंट लेते हैं और फिर क्या निकालते एनपी भी चालीस पैंतालीस बीस पच्चीस और पंद्रह

वन वन पॉजिटिव है सर अब क्या करेंगे अब अगला लेंगे टेंशन वाली बात नहीं सर पहले कैलकुलेट करके देख लेना था ना ठीक है ना भाई हो गई गलती सर अब अठारह परसेंट ले लें क्या ले सकते हो मैं बीस ले रहा हूँ भाई पता लगा कि अठारह में भी पॉजिटिव आ गया तो दिक्कत पड़ जाएगी इस बार ना मैं आप ही की तरह हो गया मुझे भी नहीं मालूम कि क्या लेना है करके आप बीस लेकर देख लेते चालीस हजार डिवाइडेड बाय वन पॉइंट टू जीरो पावर थाउजेंड डिवाइडेड बाय वन पॉइंट टू जीरो पावर टू ट्वेंटी थाउजेंड डिवाइडेड बाय वन पॉइंट टू जीरो पावर थ्री ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डिवाइडेड बाय वन पॉइंट टू जीरो पावर फोर

मैं रेट पास क्यों होना चाहिए पंद्रह और बीस के बीच में करूंगा ठीक है तो पंद्रह परसेंट पर आयरा आ रहा है सॉरी तो, एनपीवी थ्री सेवन वन वन जबकि मैं रेट लेता हूं बीस परसेंट तो ये आता है फाइव सेवन फाइव एट एन तो जैसे ही मैं कितने परसेंट पांच परसेंट बढ़ाता हूं तो थ्री सेवन वन वन प्लस फाइव सेवन फाइव एट तो ये हो जाता है नाइन फोर सिक्स नाइन जबकि मुझे क्या चाहिए मुझे तो जीरो चाहिए तो मुझे चाहिए थ्री सेवन वन वन का चैन तो आई आर आर निकल गए तो लगेगा, लगेगा। पांच नाइन फोर सिक्स नाइन एन टू थ्री सेवन वन वन फाइव डिवाइडेड बाय नाइन फोर सिक्स नाइन सॉरी फाइव डिवाइडेड बाई नाइन फोर सिक्स नाइन इंटू थ्री सेवन प्लस तो ये सिखाना के लिए एग्जाम्पल करवाए कि नहीं ना बच्चों कॉन्सेप्ट से वो कॉन्सेप्ट की बात ठीक कैसा मैंने कहा कि मुझे एक कॉन्सेप्ट समझाना है सर टाइम हो गया दे रहा ब्रेक थोड़ा थोड़ा सा रुक मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है कॉन्सेप्ट ये समझाना था कि आईआरआर के हिसाब से बताओ प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट आईआरआर के हिसाब से बताइए प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है 10% और आईआरआर कितना है 16.96% तो आयर के हिसाब से हमें प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए आंसर है करना चाहिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल है टेन परसेंट हमें टेन परसेंट हमारे जो कैपिटल है उसका कॉस्ट है टेन परसेंट और उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें हम कमाएंगे ज्यादा सिक्सटीन पॉइंट नाइन सिक्स परसेंट तो हमें प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए तो यहां भी लिख सकते हैं कि यस आयर इज More than cost of capital, hence, project should be accepted. तो सर ये कॉन्सेप्ट था कि कॉन्सेप्ट अभी नहीं अब अब मैं जो लाइन बोलने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट है बस उसको ध्यान से सुनोगे दिक्कत नहीं होगी जब हमने एनपीवी के हिसाब से डिसीजन लिया जब हमने एनपीवी निकाला तो क्या एनपीवी पॉजिटिव आई हाँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना था दस परसेंट तो क्या एनपीवी पॉजिटिव आया यस प्रोजेक्ट करना चाहिए एनपीवी पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट करना चाहिए जब आई आर आर निकालना आई आर आर तो जो रेट है रेट आई आर आर आई आर आर सोच के बताना दस परसेंट से कम आएगा क्योंकि एनपीवी पॉजिटिव है तो आई आर आर दस परसेंट से कम आएगा कि दस परसेंट से ज्यादा आएगा टाइम है सोचने का सोचो आराम से अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल दस परसेंट है उस रेट से हम डिस्काउंटिंग कर रहे हैं तो एनपीवी पॉजिटिव आएगा तो सर आई के लिए हमेशा हमें हमेशा अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो आई के लिए हमें दस परसेंट से ऊपर लेना पड़ेगा हां बोलो यार हां सर दस परसेंट से ऊपर लेना पड़ेगा दस परसेंट से ज्यादा लेना पड़ेगा दस परसेंट से ज्यादा लेना पड़ेगा और आई फिर उस सिचुएशन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा आएगा मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो क्या आई कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा आएगा हाँ सर हाँ गुड अब सुनना इसका मतलब यह हुआ कि अगर एनपीवी के हिसाब से प्रोजेक्ट एक्सेप्ट है तो आईआरआर के हिसाब से भी क्या प्रोजेक्ट एक्सेप्ट ही होगा हां सर तो क्योंकि आईआरआर ज्यादा आएगा तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट क्या दोनों से एनपीवी से और आईआरआर से हमेशा डिसीजन एक जैसा ही आएगा अगर एनपीवी पॉजिटिव है एक्सेप्ट अगर एनपीवी पॉजिटिव तो आई आर आर ज्यादा एक्सेप्ट एनपीवी के और आईआरआर के हिसाब से डिसीजन हमेशा एक ही आएगा अगर एनपीवी कहता है यस तो आईआरआर भी कहेगा यस अगर एनपीवी कहेगा नो तो आईआरआर भी कहेगा नो लेकिन फिर पढ़ क्यों रहे है? अलग अलग एक बात और है हाँ बोलिए कभी कभी डिसीजन अलग हो गया एनपीवी के हिसाब से कुछ और आएगा एनपीवी कहेगा प्रोजेक्ट ए करो आई आर कहेगा प्रोजेक्ट बी करो वो कब आएगा जब दो प्रोजेक्ट हो गए कहा एनपीवी में डिसीजन अलग अलग हो सकते हैं सिचुएशन कौन सी हो सकती है जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल के उस कंडीशन में हो सकता है ऐसा हमेशा नहीं हो सकता है कि एनपीवी के हिसाब से निकाले तो ऐसा लगे कि प्रोजेक्ट ए और आई आर आर के हिसाब से निकाले तो ऐसा लगे कि प्रोजेक्ट बी मतलब रैंकिंग में अलग अलग हो सकता है अलग अलग रैंक आई फर्स्ट रैंक किसी और को दे रहा है एनपीवी फर्स्ट रैंक और उस रैंकिंग में अगर कॉन्फ्लिक्ट आता एनपीवी और आई में कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसकी वजह क्या है यह समझाना है मैं यहां नहीं समझाऊंगा आप संभाल नहीं पाओगे इसको मैं क्वेश्चन के साथ साथ करूंगा ठीक है बाकी अगर देखा जाए तो कॉन्सेप्ट सब खत्म हो चुके आई खत्म हो चुका है सबसे ज्यादा डेंजर आई में कब होगी जब कैशो अलग अलग होगा ठीक है जी ठीक है तो क्या ब्रेक ले ले ब्रेक ले लेते हैं इसके बाद एन के लगभग दो कॉन्सेप्ट और कम करवाना और ये करीब करीब हमारा आधा घंटा में खत्म हो जाए आधा घंटा चालीस मिनट लगेगा खत्म हो जाएगा एन के दो कॉन्सेप्ट उसके बाद बेसिक्स हमारा पूरी तरह से आप एक्सपर्ट हो चुके हो एक वर्किंग कैपिटल मैंने ले ली वो मैं ले लूंगा आप क्वेश्चन के साथ समझा दूंगा उसके बाद हम बुक के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ठीक है जी तो ब्रेक ले लें थक गए आप ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ पढ़ रहे थे पर ठीक है यार सी ए ए में तो ऐसा होना ही है Тој брек лелете брек